अच्छा जी, शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टाइम हम लोगों ने गेटिंग स्टार्टेड वाला काम किया था। हाँ जी, और उसमें हम लोगों ने कुछ बेसिक्स देखे थे। अभी उसी चीज़ को हम थोड़ा सा आगे कंटिन्यू करना चाह रहे हैं। लास्ट टाइम हमने बात छोड़ी थी कि हमारे पास कुछ फंक्शंस होते हैं जिनके ऊपर हम काम करते हैं, ठीक है। कुछ हमारे पास एक बॉक्स था और उस बॉक्स को हम कोई वैल्यू भिजवाते थे, जिस तरह मैक्स का फंक्शन, उसको हमने दो वैल्यूज भिजवाई और उसने हमें वापस भेजा, ठीक है। तो ये जो इस चीज़ को हम डब्बा डब्बा कह रहे थे, अभी हम उसको थोड़ा सा फॉर्मल नाम देना चाह रहे हैं, ठीक है। तो लास्ट टाइम जो हम लोगों ने बात की थी, मिसाल के तौर पे मैक्स, तो मैक्स जो है उस डब्बे को कहा जाता है फंक्शन, ठीक है। फंक्शन क्यों कहते हैं? क्योंकि वो कोई खास काम परफॉर्म करता है। मिसाल के तौर पे मैक्स जो है उसका फंक्शन क्या है कि वो आपसे नंबर्स लेता है बहुत सारे, और उसमें से जो सबसे बड़ा नंबर होता है वो आपको वापस रिटर्न करता है, ठीक है। तो इसको कहते हैं फंक्शन। अब फंक्शन जो हैं, हम लोगों ने देखा था कि हमारे पास बाय डिफॉल्ट अवेलेबल थे। मैक्स का फंक्शन अवेलेबल था, मिन का फंक्शन अवेलेबल था, पाव का फंक्शन अवेलेबल था, ठीक है। ये हमने देखे थे कि हमारे पास बाय डिफॉल्ट अवेलेबल है। बाय डिफॉल्ट का क्या मतलब है कि बस ये पहले से हैं, आपने अपना कोड करना शुरू किया, बस ये आपके पास है, ठीक है। इसके लिए आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ठीक है, समझ आ रही बात की। तो जब आपको कुछ करना नहीं पड़ा तो इसको कहते हैं कि दिस इज़ बाय डिफॉल्ट, ठीक है, पहले से। उर्दू में ट्रांसलेशन इसकी आसान बनती है कि पहले से, तो बस ये पहले से आपके पास अवेलेबल है। लेकिन आपके पास कॉमन काम जो है, जो कि अक्सर लोगों को, प्रोग्रामर्स को करने पड़ते हैं, वो बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। तो उसका तरीकाकार क्या किया जाता है कि वो सारे के सारे आपको एक साथ नहीं अवेलेबल किए जाते, क्योंकि अगर बाई डिफॉल्ट यानी कि पहले से सारे के सारे आपके पास अवेलेबल हों तो सारे के सारे मेमोरी में रखने पड़ेंगे, और आपके पास इतनी मेमोरी होगी नहीं कि वो सारे के सारे आपके पास आ सके। मिसाल के तौर पर आपके पास कुछ फंक्शंस होते हैं जो कि आपको फिजिकल सिमुलेशन में मदद करते हैं, ठीक है। आपने कोई एक एनवायरनमेंट बनानी है कि जी इसके अंदर अगर स्मोक उड़ेगी तो किस तरीके से उड़ेगी। आप लोगों ने देखा होगा कार टेस्टिंग होती है कि अगर गाड़ी को आप लेके जाएंगे इस तरीके से टकराएंगे, कुछ कुछ तो फिजिकल होती है ना, कुछ सिमुलेशंस आपने की होती हैं, तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आपको फिजिक्स की चाहिए होती हैं, बायोलॉजिकल सिमुलेशंस होती हैं। उसके अलावा आपके पास गेम्स हैं, आपके पास एमएस वर्ड किस्म के पैकेजेस हैं जो कि प्रोसेसिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं, वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट प्रोसेसिंग, दुनिया जहान के काम है जो कि कंप्यूटर के अंदर हम कर सकते हैं। तो इनके अंदर बहुत छोटे 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 बहुत सारे फंक्शन होते हैं जो कि मिल के ये काम सारे करते हैं, ठीक है। तो सारे के सारे एक साथ आपको नहीं अवेलेबल किए जा सकते। उसके लिए हम तरीकाकार क्या करते हैं, उसके लिए हम सिमिलर फंक्शंस को, या जो एक जैसे काम करने वाले, मिसाल के तौर पे मैंने आपको बता दिया कि जी आपने अगर फिजिकल सिमुलेशन करनी है तो उसके अंदर जिस किस्म के फंक्शंस आपको चाहिए होंगे वो सारे के सारे आप एक, ये डब्बे हैं, छोटे छोटे डब्बे हैं, इन छोटे छोटे डब्बों को मिला के आप एक बड़े डब्बे के अंदर रन कर देते हैं, ठीक है। तो ये जो छोटे छोटे इंडिविजुअल डब्बे हैं इनको कहा जाता है फंक्शंस, और जब इनको आप मिला के एक बड़े डब्बे के अंदर पैक कर लेते हैं तो इसको कहा जाता है पैकेज, ठीक है। इसको पैकेज कहते हैं, या पैकेट समझ आ गई ना, कि एक बड़ा डब्बा है जिसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे फंक्शंस हैं, सही है। तो अब पैकेज के अंदर आपके पास फंक्शंस होते हैं, तो इस पैकेज को या बड़ी पेटी को आप पैकेज भी कह सकते हैं, आप इसको मॉड्यूल भी कह सकते हैं, आप इसको लाइब्रेरी भी कह सकते हैं, और क्या नाम होता है इसका, यहाँ पे मैंने कुछ लिखा हुआ है, ये और नहीं लिखा हुआ, इस तरह इसके मुख्तलिफ नाम हैं, ठीक है। तो आप क्या तरीका कार करते हैं, आप ये कहते हैं कि भाई अगर मुझे कोई ऐसे फंक्शन का पता है जो कि फलां लाइब्रेरी में या फलां मॉड्यूल में अवेलेबल है या पैकेज में अवेलेबल है, तो आप क्या करते हैं, पहले उस पैकेज को अपने पास ले आते हैं, ठीक है, कि भाई मुझे ये पैकेज दे दो। अब जब आपने वो पैकेज अपने पास लोड कर लिया या आप अपने पास ले आए, तो इसका मतलब है कि आपके पास एटलीस्ट वो सारे के सारे फंक्शंस अवेलेबल हैं। लेकिन आप क्या करेंगे कि आप अब जब अपने इंटरप्रेटर को बताएंगे तो उसको कहेंगे भाई इस पैकेज में से या इस मॉड्यूल में से जाके फला फंक्शन लेके आओ, ठीक है। एक कॉमन एग्जाम्पल है आपके पास मैथ की, तो जो हमने स्क्वायर रूट या स्क्वायर रूट तो हमने यूज़ नहीं किया अभी तक, मैक्स, मिन या पाव का फंक्शन जो मिसाल के तौर पर, ठीक है, पाव का फंक्शन जो हमने इस्तेमाल किया तो वो भी मैथमेटिक्स का फंक्शन है, लेकिन वो बाय डिफॉल्ट अवेलेबल है। इसके अलावा मैथ के बहुत सारे फंक्शन हैं जो कि बाय डिफॉल्ट आपको अवेलेबल नहीं किए जाते, हर किसी को नहीं चाहिए होते, ठीक है। तो वो पड़े होते हैं आपके पास एक पैकेज में जिसका नाम है मैथ, ठीक है, बस इसको मैथ्स नहीं कहते, इसको मैथ कहते हैं, ठीक है। तो मैथ का पैकेज है, इसको जब आपने इस्तेमाल करना होगा तो आप क्या कहेंगे, इम्पोर्ट मैथ, ठीक है। ये चाइना में बनता है, वहां से आप पहले इसको इम्पोर्ट करेंगे ताकि आपके पास आ जाए, सही है, समझ आ रही बात की। पहले तो आप इस पैकेज को इम्पोर्ट करेंगे, जब ये इंपोर्ट हो गया तो फिर आप अपने इंटरप्रेटर इंटरप्रेटर को बताएंगे कि अब जो मैं फंक्शन कॉल करने वाला हूँ वो इस पैकेज के अंदर पड़ा हुआ है। तो पहले वो पेटी खोलेगा, उसके अंदर जाएगा, उस फंक्शन को बाहर निकालेगा और फिर उस फंक्शन को एग्जीक्यूट करेगा या कॉल करेगा, ठीक है जी, समझ आ रही बात की। तो इम्पोर्ट करने का तरीका होता है इम्पोर्ट मैथ, ठीक है, समझ आ रही बात की। तो इम्पोर्ट मैथ आपने जब किया तो कुछ भी नहीं होगा, ठीक है, अगर कुछ ना हो तो इसका मतलब है कि काम ठीक हो गया। इम्पोर्ट मैथ आपने उसको कहा जी मैथ को ले आओ, अगर कोई मसला होगा तो वो आपको बता देगा, अगर मसला नहीं है तो वो आपको कहेगा अच्छा बस ठीक है, बल्कि कुछ भी नहीं कहेगा, ठीक है, जिस तरह इसने भी कुछ भी नहीं कहा। देखें हमने क्या कहा,
इम्पोर्ट मैच इन वन, तो आउट कुछ भी नहीं आया, ठीक है, इसका मतलब है कि उसने हमें कुछ भी वापस नहीं भिजवाया, नो न्यूज इज गुड न्यूज, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करना चाहते हैं कि भाई मैथ के अंदर से स्क्वायर रूट के फंक्शन को कॉल करो और उसको वैल्यू भिजवाओ 256, ठीक है। तो ये ऐसा ही है जैसे आपको स्क्वायर रूट का फंक्शन पहले से अवेलेबल हो और आप उसको एक वैल्यू भिजवाएं और वो आपको वैल्यू वापस भिजवाएगा, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी चीज मिलकर बनेगी, वही कॉल एक्सप्रेशन। हमने लास्ट टाइम कॉल एक्सप्रेशन देखी थी ना, एग्जैक्टली वैसी ही कॉल एक्सप्रेशन है, सिर्फ मसला ये कि पहले हम लोगों को पाव डायरेक्ट अवेलेबल था तो हम डायरेक्ट पाव लिख देते थे, अब वो स्क्वायर रूट है और वो किसी और जगह पे अंदर पड़ा हुआ है तो वो जगह हमें उसको बतानी पड़ेगी कि मैथ्स में से स्क्वायर रूट लेके आओ, ठीक है जी। और उसको फिर आगे वही काम है कॉल एक्सप्रेशन में जो होता है, आप उसको वैल्यू पास करें, उसको एक वैल्यू चाहिए तो एक वैल्यू पास करें, 10 वैल्यूज चाहिए 10 वैल्यूज पास करें, जितनी वैल्यूज उसको चाहिए वो आप इसको पास करेंगे, ठीक है जी। तो मैथ डॉट स्क्वायर रूट 256, तो ये आपको 16.0 वैल्यू रिटर्न कर देगा, ठीक है जी। तो मुझे बात की, तो आपके पास लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना और फिर लाइब्रेरी के अंदर से किसी फंक्शन को इस्तेमाल करने का ये तरीकाकार है पाइथन में। हर लैंग्वेज का अपना तरीकाकार होता है, लेकिन एसेंशियली यही पैकेजिंग का जो तरीका है ये हर किसी में अवेलेबल है। हो सकता है कहीं पे डॉट की जगह पे कोई और चीज़ इस्तेमाल करनी हो, ठीक है, कहीं पे लाइब्रेरी का नाम कहीं और लिखना हो, इंपोर्ट की जगह पे कोई और लफ्ज हो, लेकिन सेमेंटिक्स यही होंगे, ठीक है, कि पहले आप पैकेज को इंपोर्ट करें या उसको लोड करें या उसको अवेलेबल करें और उसके बाद फिर उस पैकेज के अंदर जाके किसी फंक्शन को कॉल करें। समझ आ रही जी बात की, ठीक है। तो मैथ डॉट स्क्वायर रूट आप लिख सकते हैं। इसका इसी का एक और तरीका है, अगर आप हर दफा मैथ डॉट नहीं लिखना चाहते तो आप क्या कहते हैं कि भाई इस पेटी में से स्क्वायर रूट को निकाल के बाहर ले आओ, ठीक है। तो जब वो एक दफा बाहर आ जाएगा तो फिर आपको बार बार पेटी में नहीं जाना पड़ेगा। समझ आ रही बात की, तो उसका तरीकाकार ये है कि आप कहते हैं कि फ्रॉम मैथ मैथ पैकेज में से इंपोर्ट कर लो इस फंक्शन को। तो अब ये एक फंक्शन आपके पास आ गया, ठीक है। जब ये एक फंक्शन आपके पास आ गया तो अब आप इस फंक्शन को कॉल डायरेक्ट करवा सकते हैं। देखिए ऐसा ही है ना कि पहले वो पेटी में पड़ा हुआ था तो हर दफा आपको कहना पड़ता था कि ये इस पेटी में से लाओ, फ्लां फंक्शन उस पेटी में से लाओ, फ्लां फंक्शन उस पेटी में से लाओ। अब स्क्वायर रूट हमने लेट से बहुत ज्यादा दफा इस्तेमाल करना है तो हम हर दफा ये नहीं कहना चाहते कि भाई बार बार उस पेटी में, हम क्या करते हैं उसको निकाल के अपने पास अवेलेबल बाहर मेज पे रख लेते हैं उसको, ठीक है। तो उसका तरीका है फ्रॉम मैथ इस लाइब्रेरी या पैकेज में से या मॉड्यूल में से इंपोर्ट करो SQRT, ठीक है, ठीक है। लेकिन इससे क्या होगा कि अगर आप सिर्फ ये काम करेंगे और इंपोर्ट मैथ नहीं करेंगे तो आपके पास सिर्फ ये एक फंक्शन अवेलेबल होगा, बाकी पूरे मैथ के अंदर जितने फंक्शंस पड़े हैं वो अब अवेलेबल नहीं है आपको। समझ आई ना, क्योंकि पहले आप पूरी पेटी लाए थे तो सब कुछ पेटी में आ गया था, अब आप पेटी में से एक चीज निकाल के लेके आए हैं तो बाकी का सारा आपको अवेलेबल नहीं है, उसमें से कोई और चीज चाहिए तो आपको अलग से उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा या पूरे मैथ को इंपोर्ट करना पड़ेगा। समझ आ रही बात की थी? अच्छा, तो फ्रॉम मैथ इंपोर्ट SQRT जब आपने कर लिया तो अब आप SQRT को वैसे ही कॉल कर सकते हैं जैसा कि आप पाओ को या मैक्स या मेन को कॉल कर रहे थे, ठीक है, क्लियर। जवाब आपको वही देगा, ठीक है। यहाँ पे दोबारा लिखा हुआ, ठीक है जी, ये बात क्लियर हो गई, वैसे गलत एक्स्ट्रा लिखा हुआ था, सही है। अच्छा, अब एक बहुत ज्यादा जरूरी यहाँ पे चीज है कि आप ये जानना चाहते हैं कि मैथ्स में आपको क्या क्या अवेलेबल है, ठीक है, मैथ्स में आप आखिर क्या क्या काम कर सकते हैं। तो उसके लिए आपके पास एक तरीकाकार है, पाइथन आपको बाय डिफॉल्ट प्रोवाइड करता है, उसको कहते हैं हेल्प का फंक्शन, ठीक है। इस तरह और फंक्शन है हमारे पास, पाव है, स्क्वायर रूट है और चीज़ें, इस तरह हमारे पास एक हेल्प का फंक्शन है, ये भी बाय डिफॉल्ट आपको अवेलेबल होता है। इसको आप कोई भी मॉड्यूल भेजें तो ये आपको उस मॉड्यूल की डॉक्यूमेंटेशन दिखा देगा। हम लोगों ने प्रेसिडेंस में बात की थी ना ऑपरेटर प्रेसिडेंस में कि डॉक्यूमेंटेशन को आप देखते हैं, तो वो एक किस्म की डॉक्यूमेंटेशन है जो कि वेब पे अवेलेबल है, लेकिन जिस इंटरप्रेटर की शेल के ऊपर या REPL लूप में आप काम कर रहे हैं, REPL में काम कर रहे हैं, तो वहीं पे आपको एक और हेल्प भी अवेलेबल है जो कि बहुत आसानी से आपको अवेलेबल है और आप बहुत तेजी से उसको देख सकते हैं, उसको कहते हैं हेल्प का फंक्शन। तो हेल्प का फंक्शन और आप मॉड्यूल जब इसको भेजेंगे तो ये आपको यहाँ पे देखें सारी उसकी तफसील बता देगा, ठीक है। क्या है? हेल्प ऑन मॉड्यूल मैथ, ठीक है, यानी कि आप मॉड्यूल है, पहले तो आपको ये पता चल गया मॉड्यूल से क्या मुराद है, पैकेज है या लाइब्रेरी है, ठीक हो गया। आपको बता रहे इसका नाम मैथ है, ये इस जगह पे पड़ा हुआ है, ठीक है, इसके साथ हमारा कोई काम नहीं, लेकिन बहरहाल अगर आपको चाहिए हो तो ये यहाँ पे पड़ा हुआ है। इसकी ऑनलाइन डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे अवेलेबल है, सही है। इसकी डिस्क्रिप्शन आपको बता रहा है कि दिस मॉड्यूल इज ऑलवेज अवेलेबल, ठीक है, आप इसको डायरेक्ट इंपोर्ट कर सकते हैं। अवेलेबल का मतलब है कि मॉड्यूल अवेलेबल है लेकिन लोडेड नहीं है, लोड करने के लिए आपको इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक हो गया। और इसके अंदर दिस प्रोवाइड्स एक्सेस टू द मैथमेटिकल फंक्शंस डिवाइडेड बाय द सी स्टैंडर्ड। सी स्टैंडर्ड के अंदर लिखा हुआ है कि ये फंक्शंस होने चाहिए, तो वो सारे ये प्रोवाइड करता है। वो कौन से हैं वो नीचे अब तफसील आपको बता रहा है। फंक्शंस आप ए कॉस कॉल कर सकते हैं, विच इज द आर्क कोसाइन ए कॉस एच, आगे अल्फाबेटिकल है इसलिए आर्क आर्क कॉस पहले आ गया, ठीक है, ए कॉस पहले आ गया। ए साइन है, ए साइन एच, टैन ए टैन एच, सीलिंग का फंक्शन याद होगा आप लोगों को, हमने फ्लोर की बात की थी, उस तरह सील होता है, सील का फंक्शन है,
कॉपी साइन अवेलेबल है, ठीक है, साइन कॉपी करने के लिए कॉस है, कॉस एच, डिग्रीज, ERF, मैथ्स की बहुत सारी बात बनाई, EXP, एक्सपोनेंट आप लोगों को पता होगा, ठीक है, ई रेज टू पावर जो होता है वो आपके पास अवेलेबल है, एब्सोल्यूट वैल्यू है, फैक्टोरियल कैलकुलेट करना, फ्लोर करना, एफ मॉड, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है। हमारे इन सारों के साथ अभी कोई काम नहीं है, लेकिन आपको बताने का मकसद है कि आप बड़ी आसानी से ये देख सकते हैं कि इस मॉड्यूल में क्या अवेलेबल है, समझिए बात, ठीक है। इसी तरीके से ये बात समझ आइए कि हम मॉड्यूल के हमने सारे देखे कि कौन कौन से फंक्शन अवेलेबल हैं, आपको ये पता चला कि यार जो काम मैं करना चाहता हूँ तो वो मैथ से रिलेटेड है, तो मैथ्स में होना चाहिए शायद, तो आपने क्या किया, इम्पोर्ट मैथ, हेल्प मैथ, अब आप इसके अंदर ढूंढ लेंगे, अगर आपको मिल गया तो आपको बड़ी आसानी से पता चल गया कि ये चीज़ किस फंक्शन को आपने कॉल करना है, ठीक है। अब जब आपको पता चल गया कि मैंने किस फंक्शन को कॉल करना है, तो आप ये कर सकते हैं कि भाई ये फंक्शन मुझसे किस किस्म के इनपुट्स मांगता है, इसकी अजम्पशंस क्या है, ठीक है, वो जो सारी चीज़ यानी कि फंक्शन की डॉक्यूमेंटेशन आप देखना चाहते हैं, तो आप कहेंगे हेल्प मैथ डॉट स्क्वायर रूट, ठीक है, तो ये आपको उसकी जो बिल्ट इन फंक्शन है स्क्वायर रूट मैथ के अंदर उसकी डॉक्यूमेंटेशन बताएगा। वो क्या बता रहा है आपको कि स्क्वायर रूट एक्स यानी कि ये एक आपसे इनपुट लेता है, एक लिखा हुआ ना एक्स, अगर एक से ज्यादा चीजें लिखी होती इसका मतलब है कि आपसे ज्यादा चीजें इनपुट लेता है, ठीक है, ए कॉमा बी कॉमा सी अगर लिखा होता इसका मतलब है कि ज्यादा चीजें आपसे इनपुट लेता है। अभी पता चल गया कि आपसे एक चीज वैल्यू इनपुट लेता है और करता क्या है कि रिटर्न द स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, ठीक है, तो इसकी डॉक्यूमेंटेशन आप किसी फंक्शन की भी देख सकते हैं और मॉड्यूल की भी देख सकते हैं हेल्प के जरिए से, ठीक है। तो जब भी आप काम कर रहे हैं और आप किसी चीज में आपको प्रॉब्लम हो कि भाई इसके अंदर कौन से फंक्शन अवेलेबल है या ये फंक्शन को मैंने क्या चीज भिजवानी है, तो आप हेल्प और आगे अंदर उस फंक्शन का नाम लिख सकते हैं, ठीक है, तो मैथ डॉट स्क्वायर रूट भी कर सकते हैं, यहाँ पे आप जो मैक्स है उसको भी कॉल कर सकते हैं, ठीक है, या आप इसके अंदर पाव को कॉल कर सकते हैं, सही समझ आ रही बात की थी, ओके अच्छा क्या मैं कर रहा था, तो ये आपके पास हेल्प होगी, यहाँ पे हेल्प के जरिए से आप उसकी हेल्प देख सकते हैं, डॉक्यूमेंटेशन देख सकते हैं, ठीक है जी, क्लियर है, कोई मसला तो नहीं है, अच्छा अभी थोड़ा आगे चलते हैं। अभी हम एक डिफरेंट काम करना चाह रहे हैं, वो ये कि अभी तक हमने जितनी भी चीज़ें देखी नंबर के साथ हमने काम किया, हमने कहा ये 17 है, ये 2+5 है, ये 16 है, ठीक है, लेकिन अक्सर हम ये चाहते हैं कि भाई हम एक जनरलाइज काम करें, जिस तरह मैथमेटिक्स में होता है ना कि हम जो कोई चीज़ प्रूव करना चाहते हैं तो हम उसके अलजेब्रा में एक वेरिएबल में डालते हैं और फिर वेरिएबल के साथ काम करते हैं, उसका मतलब ये होगा कि इस वेरिएबल के अंदर जो भी किस्म आ जाए, ठीक है, इसके अंदर आप जो भी वैल्यू डालेंगे आगे पूरी की पूरी वर्किंग इस सारे के लिए काम करेगी, ठीक है। तो अगर आप मिसाल के तौर पे स्क्वायर रूट का फंक्शन जो हम शुरू में बनाना चाह रहे थे उसमें हमने कहा था कि हमें एक इनपुट आएगा, तो लेट्स से उस इनपुट को हम नाम दे देते हैं इन, ठीक है, उसका नाम है इन। अब हम कहेंगे कि जी इनको देखो, इनको स्क्वायर करो, इनको डिवाइड करो, इनको मल्टीप्लाई करो, इनके साथ हम सारी बातें करेंगे। एक्चुअल 36 के साथ अगर हम काम करेंगे तो फिर वो फंक्शन किसी और वैल्यू के साथ काम नहीं कर सकेगा, तो हम उसको एक नाम दे देते हैं, जिस तरह हम मैथमेटिक्स में अलजेब्रा में एक जनरलाइज नाम दे देते हैं और फिर उस जनरलाइज नाम के साथ हम काम करते हैं, समझ आ रही बात की। मिसाल के तौर पे मैं आपको कहता हूँ कि 24 एक आपके पास नंबर है, मैं कहता हूँ कि 8 से मैं इस x को कहूँगा 24 को कहूँगा x, ठीक है, तो अब अगर मैं जाके यहाँ पे लिखता हूँ कि x, तो इंटरप्रेटर को फौरन समझ आ जाएगी कि मैं 24 की बात कर रहा हूँ, समझ आ रही बात की। तो इसको कहते हैं वेरिएबल। वेरिएबल क्यों कहते हैं, क्योंकि ये वेरी कर सकता है, चेंज हो सकता है, इसके अंदर जो वैल्यू आपने रखी है वो चेंज हो सकती है, 24 हमेशा 24 ही रहेगा, 24 जो है वो 34 नहीं बन सकता, ठीक है, लेकिन x जो है वो एक वेरिएबल है, ये वेरी कर सकता है, ये चेंज हो सकता है, कभी इसके अंदर एक वैल्यू होगी, कभी इसके अंदर दूसरी वैल्यू होगी, समझ आ रही बात की। थोड़ा सा जरा आप लोगों के जो पहले से मैथमेटिक्स में वेरिएबल का कॉन्सेप्ट है उसके हिसाब से जरा देखें कि हमारे पास प्रोग्रामिंग के अंदर वेरिएबल में और मैथमेटिक्स के अंदर वेरिएबल में क्या फर्क है। मैथमेटिक्स में वेरिएबल इस चीज को कहा जाता है कि आपने शुरू में कहा कि दिस इज एन एक्स, अभी आप वर्किंग शुरू कर रहे हैं, आपने कहा कि एक्स इज इक्वल टू 24, आपने कह दिया, ठीक है, अब आगे आप जितनी भी वर्किंग करेंगे उसमें इस एक्स की वैल्यू चेंज नहीं हो सकती, ठीक है, एक दफा आपके पास डिसीजन है, आप डिसीजन ले सकते हैं कि एक्स इज इक्वल टू 24, लेकिन जब आपने एक दफा कह दिया और आगे जाके आप ये कहेंगे कि एक्स इज इक्वल टू 20, तो ये बात गलत हो जाएगी, आपकी पूरी वर्किंग गलत है, इसका मतलब है हम यही करते हैं ना, प्रूफ कॉन्ट्रडिक्शन के जरिए से जो हम करते हैं, पहले हम अज्यूम करते हैं कि x इज इक्वल टू 5, फिर जाते हैं आखिर में जाके कहते हैं जी देखें x इज इक्वल टू 6 आ गया, इसका मतलब है सब गलत है, ठीक है ना, सब गलत है का मतलब है कि दरमियान में हमने कोई अजम्पशन गलत किया, ठीक है, समझ आ रही बात की। तो मैथमेटिक्स में या अलजेब्रा में वेरिएबल का मतलब होता है कि आपके पास एक दफा डिसीजन है, आप एक दफा डिसीजन ले लें, उसके अंदर आप जो वैल्यू डालना चाहते हैं आप डालें, लेकिन जब आपने एक दफा वैल्यू डाल दी बस, फिर अब आप उसको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, समझ आ रही ना बात की। आपने x की या y की कोई वैल्यू ले ली तो अब वो वैल्यू चेंज नहीं होगी, वो कांस्टेंट रहेगी इसके बाद, लेकिन उसको हम वेरिएबल इस वजह से कहते हैं क्योंकि एक दफा वो चेंज हो सकता है, तो मैथ्स में वेरिएबल एक दफा चेंज हो सकता है सिर्फ शुरू में,
उसके आगे वो अब चेंज नहीं होगा। जबकि प्रोग्रामिंग में वेरिएबल शुरू में भी चेंज हो सकते हैं, आपके पास डिसीजन है, और बाद में जाके आप ये भी कह सकते हैं नहीं मेरा दिमाग चेंज हो गया, अब मैं कुछ और करना चाहता हूँ, आज से एक्स जो है वो 34 है। ठीक है, समझ आ गई बात की? मिसाल के तौर पे मैं कह रहा हूँ कि भाई मैं आप सारों के GPA कैलकुलेट करना चाहता हूँ। तो शुरू में आपका GPA था लेट से 3.9, ठीक है, आपका GPA था 3.7, तो मैंने कहा GPA अभी 3.9 है, थोड़ी देर बाद जाके मैंने कहा अब GPA 3.7 है, क्योंकि अब मैं 3.7 के साथ काम करना चाहता हूँ। समझ आ गई बात की? तो प्रोग्रामिंग में वेरिएबल इज अ ट्रू वेरिएबल, इट कैन वेरी एट एनी टाइम। समझ आ गई बात की जी? मैथमेटिक्स में कांस्टेंट किस चीज को कहा जाता है? मैथमेटिक्स में कांस्टेंट इस चीज को कहा जाता है जिसके अंदर चेंज की डिसीजन आपके पास एक दफा भी नहीं है, वो 5 है बस है, पाई की वैल्यू है तो पाई की वैल्यू पहले से है, आप उसको एक दफा भी चेंज नहीं कर सकते। समझ आ रही है? तो मैथमेटिक्स में कांस्टेंट ये होता है कि आप उसको एक दफा भी चेंज नहीं कर सकते, वो बस फिक्स्ड होता है। जबकि प्रोग्रामिंग में कॉन्स्टेंट ये होता है कि आप उसको एक दफा वैल्यू असाइन कर सकते हैं, उसके बाद चेंज नहीं कर सकते। गौर से सुन रहे हैं ना? देखें, मैथमेटिक्स का कॉन्स्टेंट आप उसको एक दफा भी चेंज नहीं कर सकते, प्रोग्रामिंग का कॉन्स्टेंट आप उसको एक दफा चेंज कर सकते हैं, बाद में चेंज नहीं कर सकते। यही चीज जो है, जो प्रोग्रामिंग का कॉन्स्टेंट है, ये मैथमेटिक्स का वेरिएबल है कि आप एक दफा चेंज कर सकते हैं, बाद में चेंज नहीं कर सकते। और प्रोग्रामिंग का जो वेरिएबल है वो है कि आप उसको एक दफा भी चेंज कर सकते हैं और बाद में भी हमेशा चेंज कर सकते हैं। फर्क थोड़ा सा समझ आ गया? तो मैथमेटिक्स का कांस्टेंट एक दफा भी चेंज नहीं होता, मैथमेटिक्स का कांस्टेंट या प्रोग्रामिंग का वेरिएबल, नहीं, मैथमेटिक्स का वेरिएबल या प्रोग्रामिंग का कांस्टेंट जो कि एक दफा आप डिसीजन ले सकते हैं, उसके बाद चेंज नहीं हो सकता। और प्रोग्रामिंग का वेरिएबल जो कि मैथमेटिक्स में इसकी इक्विवेलेंट कोई चीज नहीं है, वो है कि आप एक दफा भी ले सकते हैं और बाद में भी हमेशा चेंज हो सकता है। मैथमेटिक्स में इक्विवेलेंट होता है लेकिन अभी तक आप लोगों ने देखा नहीं। ठीक है, समझ आ रही थी बात की? तो हम वेरिएबल बात कर रहे हैं प्रोग्रामिंग के वेरिएबल की, कि आप एक दफा भी उसको कोई वैल्यू दे सकते हैं और बाद में जाके कोई नई वैल्यू भी उसको दे सकते हैं, आपकी मर्जी जो करते हैं उसके साथ करते रहें। ठीक है, समझ आ रही बात की? अच्छा जी, तो देने का तरीका क्या होता है कि आप कहते हैं कि x इज इक्वल टू 24। आप लोगों को याद होगा लास्ट टाइम हम लोगों ने बात की थी कि जब हम इक्वालिटी चेक करते हैं तो डबल इक्वल टू लगाते हैं। ठीक है, तो डबल इक्वल टू हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि हमने ये जो वैल्यू इसको देनी है, वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन करनी है, हमने उसको कोई वैल्यू हवाले करनी है, वो वैल्यू हवाले उसको करना ये ज्यादा जरूरी है इक्वालिटी चेक करने से। हम अक्सर ये काम करते हैं और वो काम कभी कभी करते हैं। ठीक है, इसलिए इक्वल टू का जो ऑपरेटर है वो हमने इसको दिया और उसको हमने डबल इक्वल टू वाला ऑपरेटर दिया क्योंकि वो कम इस्तेमाल होना था, तो खैर वहां पे ज्यादा लिखना पड़े तो कोई बात नहीं है, ये बहुत ज्यादा कॉमन काम है इसलिए इसको हमने छोटा इक्वल टू का ऑपरेटर दिया। ठीक है, समझ आ रही बात की? अच्छा, तो इसको कहते हैं किसी वेरिएबल को वैल्यू असाइन करना। ठीक है, हमने वेरिएबल x को वैल्यू असाइन की 24, या इस काम को कहा जाता है असाइनमेंट। ठीक है, हम आपको असाइनमेंट देते हैं ना, हम आपको काम हवाले करते हैं, तो इस x को मैंने एक वैल्यू हवाले कर दी 24। ठीक है, और चूंकि ये इक्वल टू का ऑपरेटर इस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है इसलिए इक्वल टू को हम कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, तो ये काम हमने किया असाइनमेंट का, x को हमने वैल्यू असाइन की और इक्वल टू जो है दैट इज एन असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक हो गया, तो x इक्वल टू 24। अब x जब भी आप कहेंगे तो आपको, आपके इंटरप्रेटर को पता है कि इसकी वैल्यू 24 है। आप थोड़ी देर बाद आप जाके कहते हैं नहीं 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 x की वैल्यू 3 है। ठीक है, कोई बात नहीं, आप कहते हैं x को मल्टीप्लाई बाय 2 करो तो क्या देगा 6, क्योंकि आखिरी जो आपने फैसला किया था आपने कहा था x की वैल्यू 3 है। ठीक है, तो जब आपने कहा कि x की वैल्यू 3 है तो इसका मतलब है कि x मल्टीप्लाई बाय 2 आएगा आपके पास 6। ठीक हो गया जी, आगे चलें। अब आप एक वेरिएबल को जब भी कोई वैल्यू असाइन करते हैं तो जरूरी नहीं कि आप उसको वैल्यू ही दें, आप उसको कोई भी एक्सप्रेशन दे सकते हैं, आप उसको न्यूमेरिक एक्सप्रेशन दे सकते हैं, आप उसको कंडीशनल एक्सप्रेशन दे सकते हैं, आप उसको कॉल एक्सप्रेशन दे सकते हैं। ठीक है, बस इस इक्वल टू के राइट साइड पे आपके पास कोई ना कोई एक्सप्रेशन होनी चाहिए जिसको हम पहले इवेल्युएट करेंगे, इवेल्युएट करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी वो हम असाइन कर देंगे लेफ्ट साइड पे जो वेरिएबल है। ठीक है जी, क्लियर है? y इज इक्वल टू x इंटू 2, x में क्या था, ध्यान करेंगे ना, यही चीज बस ध्यान करनी है, x को आपने वैल्यू 3 दी थी, x को आपने मल्टीप्लाई बाय 2 किया था लेकिन उसको आपने x को असाइन नहीं किया था, तो x के अंदर अभी भी 3 पड़ा हुआ है। ठीक है, तो y is equal to x into 2 का मतलब है कि y is equal to 6, सही है जी, क्लियर है? अब हम देखना चाहते हैं कि y की टाइप क्या है, y की टाइप क्या है, तो y की टाइप क्या होगी? ठीक है, y की टाइप है इंटीजर, लेकिन अगर मैं यही कहूं कि y is equal to x into 2.0, ठीक है, तो अब y के अंदर क्या है 6.0, अब टाइप ऑफ y क्या आएगी, फ्लोट।
ये समझ आएगी जी बात की? तो वाई की टाइप डिसाइड होगी कि आपने उसके अंदर किस किस्म की वैल्यू डाली है, उससे डिसाइड होगी। समझ आ रही बात की? नॉट श्योर, चेक करके देखें। पाइथन में जरूरत नहीं है सर, ठीक है। जिस तरह इंट आपके पास इतना बड़ा है कि आपको डबल तो इंट के इक्विवेलेंट होता है, फ्लोट के इक्विवेलेंट क्या चीज़ होती है? नहीं, डबल इधर होता है, इंट के इक्विवेलेंट क्या होता है? लॉन्ग, लॉन्ग की आपको लॉन्ग नहीं होता, लॉन्ग की जरूरत नहीं है आपको, तो हो सकता है डबल भी ना हो, चेक कर लें, ठीक है। अच्छा देखें, y इज इक्वल टू x इंटू 2.0, जब हमने ये किया तो x इंटू 2.0 से जवाब में क्या आएगा? 6.0, क्योंकि हमने कहा था ना कोई एक चीज भी फ्लोट तो पूरी एक्सप्रेशन फ्लोट, ठीक है। तो जब फ्लोट वैल्यू आई, तो फ्लोट वैल्यू जब हम y में डालेंगे तो y की क्या टाइप होगी? फ्लोट, ठीक है। समझ आ रही बात की? तो y इज इक्वल टू x इंटू 2, y आप करेंगे तो 6.0, तो y की टाइप क्या है? फ्लोट। एग्जैक्टली इसी तरीके से अगर मैं यहां पे a लिख दूं, तो अब y की क्या टाइप आएगी? अब y की क्या टाइप आएगी? देखें, रूल अप्लाई करें ना, अपना दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोगों को बताया है, जब आप प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो आपका दिमाग लगाने वाला काम वहां है जहां तक आप एल्गोरिदम लिख रहे हैं। जब आपने एल्गोरिदम लिख लिया, उसके बाद दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। देखें, a into 2, ये एक एक्सप्रेशन है, जब हम इसको इवेल्यूएट करेंगे तो क्या बनेगा? दो a बनेंगे ना, a स्ट्रिंग बनेगी। वैल्यू की टाइप क्या है? स्ट्रिंग। वैल्यू क्या है? a, ये हमने y में डाल दी। y की टाइप कहां से आएगी? जो इस वैल्यू की टाइप है। इस वैल्यू की टाइप क्या है? स्ट्रिंग। तो y की टाइप स्ट्रिंग है, ठीक है। और y की वैल्यू क्या है? a, ठीक है जी। तो दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है, रूल को समझेंगे। रूल क्या है? रूल ये है कि एक्सप्रेशन इवेल्यूएट होगी तो कोई वैल्यू बनेगी, वैल्यू जो है उस वेरिएबल में जाएगी, जो वैल्यू की टाइप वही वेरिएबल की टाइप, ठीक हो गया। इसी तरह अगर मैं यहां पे इसको वन कर दूं तो इसकी टाइप वापस इंट हो जाएगी, ठीक है। देखिए वही वाई है, उसको हम बार बार वैल्यू असाइन करें, उसकी टाइप भी चेंज हो रही है, ठीक है। वाई इंटू 3 अगर आप यहां पे भी करेंगे तो ये आ जाएगा। अगर हम इसको वापस ए कर दें और हम अब यहां पे वाई इंटू 3 करें तो क्या आएगा जवाब? देखें, अगेन दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है, पहले इसको देखें। पहले हमने ये किया ना, a इंटू 2 क्या हुआ? ए ए। वाई में क्या है? ए ए। ए ए इंटू 3 क्या होगा? ए ए ए। तो 6 ए हो जाएंगे, ठीक है। फिर दिमाग लगाने की सहमत ना करें जब आप एग्जीक्यूट करें, क्यों? क्योंकि मशीन के पास दिमाग नहीं है। जब मशीन के पास दिमाग नहीं है तो अगर आपने मशीन की तरह सोचना है तो अपने दिमाग को आपको साइड पर रखना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप अपना दिमाग लगाएंगे तो गलती करेंगे, ठीक है ना। जब तक आप इस कोड को रन कर रहे हैं तब तक दिमाग नहीं चाहिए आपको। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि मशीन के पास दिमाग नहीं है, इसको रन करने के लिए दिमाग की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसको हम ज़रा वापस कर दें ताकि चीज़ ठीक हो जाए। क्या था ये शुरू में? y टाइप ऑफ y इज int, y टू 3 इज 18। क्यों? क्योंकि y में आप 6 है, ठीक है, वही बात है। x इंटू 2, 3 इंटू 2, 6। y में क्या? 6। y की वैल्यू 6। टाइप ऑफ y इज int, क्योंकि 6 की टाइप इज int। 6 इंटू 3 इज इक्वल टू 18। इसको आप किसी और वेरिएबल में भी आप डाल सकते हैं, ठीक है जी। समझ आ रही है? कहीं पे कंफ्यूजन हो तो मुझे रोकें। अच्छा, कंटेंट मेरे पास बहुत ज़्यादा नहीं आ रहा। अच्छा, अब देखें, यही काम अगर आपने सी में करना हो, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि मैं साथ साथ आपको सी थोड़ा थोड़ा बताता जाऊंगा, तो सिर्फ यहाँ पे अब शक्ल में आपको सी की बता रहा हूँ कि सी में और पाइथन में अब क्या फ़र्क है। अगर आपने सी में वेरिएबल बनाना है कोई, तो आपको सी जो है वो गरीब थोड़ा सा ज़रा ना समझ है, ठीक है, तो आपको उसको बताना पड़ेगा कि मेरे पास इस वेरिएबल की किस्म क्या है, ठीक है। तो वो आप बताएंगे कि जी y इज ऑफ टाइप इंट, सी भी इसको इंट ही कहता है, ठीक है। y जो है वो इंट है। तो अब देखें, वापस आए वो तीन चीजों पे, मैथ्स का कांस्टेंट, मैथ्स का वेरिएबल, प्रोग्रामिंग का कांस्टेंट, प्रोग्रामिंग का वेरिएबल, और अब पाइथन का वेरिएबल। पाइथन का वेरिएबल ये है कि आप उसकी टाइप को भी शुरू में भी सेट कर सकते हैं और बाद में चेंज भी कर सकते हैं। सी के अंदर वेरिएबल की वैल्यू को आप शुरू में भी सेट कर सकते हैं, बाद में भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन वेरिएबल की टाइप को शुरू में सेट कर देंगे, बाद में टाइप को चेंज नहीं कर सकते। एक स्टेप आगे चले गए ना हम, मैथ्स का कांस्टेंट था जिसको आप बिल्कुल चेंज नहीं कर सकते थे, मैथ्स का वेरिएबल या प्रोग्रामिंग का कांस्टेंट जिसको आप एक दफा चेंज कर सकते हैं, बाद में चेंज नहीं कर सकते। प्रोग्रामिंग का वेरिएबल, या इसको कह लें कि सी का वेरिएबल, वो ये है कि आपके पास इंटीजर, सॉरी, आप इसकी वेरिएबल की वैल्यू को शुरू में भी चेंज कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं, बाद में चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन टाइप एक दफा आप फैसला कर सकते हैं, बाद में टाइप चेंज नहीं होगी। प्रोग्रामिंग का वेरिएबल आप वैल्यू को भी चेंज कर सकते हैं, शुरू में भी, बाद में भी, और टाइप को भी चेंज कर सकते हैं, शुरू में भी, बाद में भी। तो ये एक स्टेप आगे चला गया सी के उसे,
ठीक है। लेकिन सी में क्या होता है, आपने अगर कह दिया कि इंट वाई, तो अब वाई जो है वो इंट ही रहेगा, अब वाई चेंज नहीं हो सकता। जैसे हम यहाँ पे कर रहे थे ना, वाई को कभी स्ट्रिंग बना दिया, कभी क्या बना दिया, कभी क्या बना दिया, आपके पास सी में ऐसा नहीं हो सकता। अगर आपने कह दिया कि वाई इंट है, तो बस वाई इंट ही रहेगा, उसके अंदर अगर आप स्ट्रिंग डालने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं मानता। तो पहली बात, आपको वाई की टाइप बतानी पड़ेगी। दूसरी बात, सी के अंदर हर इंस्ट्रक्शन के आखिर में आपको एक सेमी कोलन लगाना पड़ता है, ठीक है। इसका कोई खास मकसद नहीं है, लेकिन बस लगाना पड़ता है, ठीक है। और आमतौर पे लोगों से गलती यही होती है, सेमी कोलन लगाना भूल जाते हैं। जो लोग मल्टीपल लैंग्वेजेस में काम करते हैं ना, अगर आप मुझे अभी सी के कोड पे बिठा दें, तो मैं अक्सर सेमी कोलन खा जाऊंगा, क्योंकि मेरी आदत पाइथन की तरफ है, ठीक है। पाइथन में सेमी कोलन होता नहीं है। तो ये इस किस्म की मिस्टेक है, जो सिंटैक्स एरर है, आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज खुद बता देगी, इट्स नॉट अ बिग डील, ठीक है। समझ आ रही बात की? हम जब आप लोगों को वो देते हैं ना, क्विज देते हैं, सेशनल देते हैं, उसमें हम ये गलतियां पकड़ते हैं, आपने सेमी कोलन नहीं लगाया, ठीक है। जबकि जो लोग एक्चुअली प्रोग्रामिंग करते हैं, तो वो सिंटैक्स एरर बड़े आसानी से करते हैं, क्योंकि हमें पता है, हमें कंप्यूटर खुद बता देगा। तो सिंटैक्स एरर, जैसे हमने पहले भी बात की थी, इज नॉट अ बिग डील, ठीक है। लेकिन सेमी कोलन लगाना होता है, आपको पता होना चाहिए, मतलब लाशौरी तौर पर बस पता हो। आपको लगाना भूल गया तो खैर है, वो ऐसी बड़ी बात नहीं है, आपको खुद वो बता देगा, ठीक है। इज्जत से नहीं बताएगा, लेकिन बता देगा, ठीक है। हाँ, वो असल में बात कुछ और करता है, लेकिन जब आपका थोड़ा सा तजुर्बा हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि यार ये बात कुछ और कर रहा है, लेकिन मुराद इसकी है कि सेमी कोलन मैंने नहीं लगाया, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज, ये आपकी एक्सप्रेशन वैसी की वैसी होगी, x इंटू टू इज वाई इज इक्वल टू एक्स इंटू टू, ठीक है। एग्जैक्टली वैसी काम करेगा, आखिर में सिर्फ सेमी कोलन लगाना पड़ेगा। फर्क सिर्फ क्या है कि इस x के अंदर अब आपको इंट ही डालना पड़ेगा, ताकि पूरी की पूरी चीज इवैल्यूएट होकर इंटीजर बने और y में इंटीजर डाल सके। इसके अंदर आप स्ट्रिंग नहीं डाल सकते, कुछ और चीजें डाल सकते हैं, लेकिन बेसिकली टाइप आपकी एक्सप्रेशन की जवाब वही आना चाहिए जो कि y को एक्सेप्टेबल हो, ठीक है। समझ आ रही बात की, ठीक है। अच्छा, तो ये सी का सिंटैक्स है, एक नज़र आपको दिखाया, और हमारा इसके साथ कोई काम नहीं है। अच्छा जी, क्लियर है जी, कोई मसला तो नहीं है। अच्छा, अब जैसे हम फंक्शंस लेके आ सकते थे लाइब्रेरी से, उसी तरीके से हम लाइब्रेरी से वेरिएबल्स भी लेके आ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखें, हम कहते हैं फ्रॉम मैथ इम्पोर्ट पाई। अब ये हमारा प्रोग्रामिंग का वेरिएबल है, तो हम इसको वैल्यू असाइन कर सकते हैं, लेकिन पाई की वैल्यू चेंज करना विल नॉट मेक एनी सेंस। है ये प्रोग्रामिंग का वेरिएबल, हम इसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन वी शुडंट चेंज, ठीक है, क्योंकि इट विल नॉट मेक एनी सेंस। अगर आपके पास कोई ऐसा मैथमेटिकल कांस्टेंट है जो कि मैथ्स में कांस्टेंट है, तो उसको चेंज करना, अगर आपके पास पावर है भी, जिसका मतलब नहीं आप पाई को कहें 8 से 2 होगा, ठीक है, तो जहरी बात है आपके सारे जवाब गलत आएंगे। समझ आ रही बात की? लेकिन है ये वेरिएबल, हम इसको लेके आएंगे उस लाइब्रेरी में से। तो जैसे हम कहते थे फ्रॉम इम्पोर्ट, फ्रॉम मैथ इम्पोर्ट SQRT, वैसे ही हम कह सकते हैं कि मैथ में से पाई की वैल्यू ले आओ। तो अब पाई की वैल्यू हमें याद रखने की जरूरत नहीं है, ये बहुत बड़ी सारी प्रिसीजन तक हमें पाई ला के दे देगा खुद, ठीक है। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि भाई मेरे पास क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। अगर आप कोई फिजिक्स की सिमुलेशन लिख रहे हैं और उसके अंदर आपको ग्रेविटी की वैल्यू चाहिए, ग्रेविटी की वैल्यू क्या होती है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कितना है, तो आपको जाके नेट पे सर्च करने की जरूरत नहीं। आप सिर्फ ये देखें कि मैथ की लाइब्रेरी में, फिजिक्स की लाइब्रेरी में वो अवेलेबल है या नहीं। मैथ में तो नहीं है, लेकिन फिजिक्स की लाइब्रेरी में अवेलेबल होगा। जो भी फिजिक्स की लाइब्रेरी आप यूज़ कर रहे हैं, उसमें वो होगा, वहीं से उसको डायरेक्ट यूज़ करें, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा प्रिसाइस होगा। और अगर आप नेट से ढूंढ के लाएंगे, तो हो सकता है आप 4-5 डेसिमल प्लेसेस तक सिर्फ डालें उसको। समझ आ रही बात की? तो इस तरीके से आप लोगों को डॉक्यूमेंटेशन पढ़नी चाहिए, और उसमें देखना चाहिए आपको क्या क्या वेरिएबल्स अवेलेबल हैं। जो चीज़ें स्टैंडर्ड अवेलेबल हो, उनको इस्तेमाल करेंगे आप, ठीक है। री इन्वेंटिंग द व्हील वाला काम नहीं करना चाहिए। पाई की वैल्यूज़ ने आपको बता दी। अगर आप किसी सर्कल का एरिया निकालना चाहते हैं जिसका रेडियस 4 है, तो आप क्या करेंगे, पाई इंटू 4 इंटू 4, ठीक है, पाई स्क्वायर होता है ना, रेडियस 4 है तो पाई इंटू 4 इंटू 4, तो ये आपको उसका पूरा एरिया बता देगा, ठीक है जी। इस तरीके से आप ये भी कर सकते हैं कि ठीक है, इसको आप इस तरह कर सकते हैं कि 4 इंटू 4 हमने किया था, एक सेकेंड, पाई इंटू पाव ऑफ 4.2, ठीक है, वही बात होगी। पाव क्या है, 4 स्क्वायर है, तो 4 इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। अब देखिए, इसमें बेहतर ये कि पाई और आर स्क्वायर आपको ये आर स्क्वायर की शक्ल में नजर आ रहा है, यहाँ पे आर स्क्वायर आपको आर स्क्वायर की शक्ल में नजर नहीं आ रहा था, ठीक है। इसको आप इस तरह कह सकते हैं कि लेट्स से r इज इक्वल टू 4, ठीक है, और हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं पाई इंटू पावर ऑफ रेडियस टू दी 2। तो अब ये ज्यादा रीडेबल है, क्या हुआ, अच्छा रन नहीं किया था उसको, ठीक है, ये समझेगी बात की। ये है रेडियस, ज्यादा बेहतर करना इसको, रेडियस और पाई ऑफ रेडियस स्क्वायर, ठीक है, अब हमें क्लियरली नजर आ रहा है। तो इस चीज में और इस चीज में आपके इंटरप्रेटर के हिसाब से कोई फर्क नहीं है खास, ठीक है, लेकिन हमारे हिसाब से बहुत फर्क है।
क्या फर्क है कि इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करना पड़ेगा, जबकि दिस इज वेरी क्लियर कि हम एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं। समझ आ रही बात की? ठीक है, तो दो कोड्स का एक जैसे होने का ये मतलब नहीं है कि दोनों बिल्कुल बराबर हैं, उनका रिजल्ट सेम आने का ये मतलब नहीं कि दोनों बराबर हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि एक पीस ऑफ कोड जो है वो ज्यादा अच्छा होता है दूसरे से, रिजल्ट चाहे सेम ना आए। समझ आ रही बात की? अच्छा, यहां पर वही काम किया कि ए को आप कह दें कि 4, बी इज इक्वल टू 2, तो पाई इंटू पाओ ए कॉमा बी। ठीक है, तो अब इसमें और पीछे वाले में आपको बहुत कम फर्क नजर आ रहा है, लेकिन दिस इज वेरी क्लियर। ठीक है, ए बी से नहीं पता चलता कि ए क्या चीज है, बी क्या चीज है। ठीक है जी, क्लियर है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अच्छा, अभी हम एक और काम करना चाह रहे हैं। मैं इंटरप्रेटर को कहूंगा कि जी आप मुझे वी बताओ, वी क्या है, वी क्या है, किसी को याद है? नहीं, वो वी नहीं, यहाँ पे जो वेरिएबल हम बना रहे हैं, वी को हमने क्या वैल्यू दी थी? वी को वैल्यू हमने दी अभी तक? हाँ, नहीं दी ना। ठीक है, तो वी को हमने कोई वैल्यू दी नहीं है, तो यही शक्ल इंटरप्रेटर भी बना के मैं देखा कि क्या कह रहे हो, वी तो तुमने मुझे बताया नहीं, वी क्यों पूछ रहे हो उसे। ठीक है, तो ये जब सोच लेगा अच्छी तरह कि बाकी मुझे वी का नहीं पता, तो फिर ये बात हमें करेगा। ठीक है, ये आसान अल्फाज में उसने हमें कहा कि भाई क्या बेवकूफ़ी कर रहे हो, वी तुमने मुझे बताया नहीं है। ठीक है, या दूसरे अल्फाज में, मैं वी को नहीं जानता, तो इसको अभी थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। ठीक है, देखें, हमने उसको कहा कि वी, सही है, वो कहता है भाई ये वी क्या कह रहे हो, वी क्या चीज़ होती है, ये किस तरह हमें कहेगा, वो इसको समझने की ज़रूरत है। इतना पता चल गया कि भाई ये कोई मसला है यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहली बात जो देखने की है वो ये कि ये एक एरर आया है। ठीक है, एरर से क्या मुराद है कि ये आपके पास एक ऐसा एरर है जो कि आपके इंटरप्रेटर को समझ आ गई है। हमने कहा था ना, सेमेंटिक एरर्स वो होते हैं जिसको कंप्यूटर मशीन को पता ही नहीं चलता कि एरर है। तो ये कोई ऐसा एरर है जो कि मशीन को समझ आ गई है। अब मशीन हमें ये कह रही है कि भई आपने क्या बात की है, मुझे नहीं समझ आई। तो अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि उसने हमारे ऊपर एतराज़ क्या किया है, हमें अब वो कुछ हेल्प करेगी कि जो एरर आया है, मुझे जो समझ नहीं आई, तो उसकी क्या वजह है। ठीक है, कोई वजह होगी ना उसकी, बहुत सारी वजूहत हो सकती है। यहाँ पे वजह क्या है कि हमने उसको वी पहले बताया नहीं है। ठीक है, तो वी एक वेरिएबल है। ठीक है, या यूं कह लें कि एक वेरिएबल का नाम है, एक वेरिएबल का नाम है ना ये। ठीक है, वी एक वेरिएबल है, उसके अंदर हम वैल्यू डाल सकते हैं, एक बर्तन है जिसके अंदर वैल्यू जाएगी, और उसका नाम क्या है, वी। सही है, ये भी हम देखेंगे, वी फिजिकली हम देख लेंगे ये किस तरीके से होता है। तो इस वेरिएबल का नाम जो है वो वी है, और ये वेरिएबल इंटरप्रेटर को पता ही नहीं है। तो वो हमें क्या कहता है कि भाई एक एरर आया है, और एरर क्या है, नेम एरर है, यानी कि ये नाम जो आपने मुझे दिया है ये मैं नहीं जानता। ठीक है, तो देखें यहाँ पे एक चीज़ गौर से देखने की है कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है नेम एरर। गौर से देखें इसको, नेम का एन बड़ा है और ई बड़ा है। ठीक है, और ये दोनों दरमियान में एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं, दरमियान में स्पेस नहीं है। तो ये खास शक्ल में आपको नेम एरर दिखा रहा है ना, इसका मतलब है कि इस नेम एरर का कोई खास मतलब है। अगर ये इंग्लिश का नेम एरर होता तो नेम के बाद एक स्पेस होता और एरर का ये छोटा होता। ठीक है, अगर ये आपके साथ इंग्लिश में बात करना चाह रहा होता तो ये इंग्लिश के जो रूल्स हैं उनको फॉलो करता कि देयर वॉज ए नेम छोटा एन स्पेस छोटा ई एरर, ऐसे कहता आपको। लेकिन ये नेम एरर कह रहा है, इसका मतलब है नेम एरर कोई खास मतलब है इसका। ठीक है, और वो खास मतलब मैं आपको ये बता रहा हूं कि इसके पास इस नेम का वेरिएबल मौजूद नहीं है, इंटरप्रेटर इस नेम के वेरिएबल को नहीं जानता, ये नेम एरर का मतलब है। तो आपको जब भी कोई एरर आएगा तो ये जरूरी है, ये बात बहुत गौर से सुने, जब भी आपको कोई एरर आएगा तो आपने सबसे पहले ये देखना है कि ये किस किस्म का एरर है। इस किस्म का एरर है नेम एरर। समझ रही बात की जी, ये नेम एरर है। क्या मतलब है नेम एरर का, कि इस नेम को इंटरप्रेटर नहीं जानता। समझ आ रही बात की? तो हमारे पास अक्सर इस तरह होता है कि स्टूडेंट्स आते हैं कि जी सर वो आपने वो असाइनमेंट दी थी या वो आपने काम करने का कहा था वो हमने किया तो उसमें एरर आ रहा है। क्या एरर आ रहा है पता नहीं, क्यों नहीं पता? आपको पता होना चाहिए, जब भी एरर आए तो आपका ये काम नहीं कि एरर आ गया है, मैंने आपको एरर लेने के लिए नहीं भेजा था कि जहाँ एरर ले आया जी एरर आ गया ठीक है तारियाँ। एरर नहीं चाहिए आपको, आपको ये पता करना है कि एरर जो आया है तो वो क्या एरर है। मशीन आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उसके बारे में बताती है। ठीक है, जितनी इन्फॉर्मेशन उसके पास होती है वो मुख्तलिफ तरीक़ों से आपको बताती है। कुछ हमें खुद उससे उगलवाने पड़ते हैं उसके सर के ऊपर वो लाइट लगा के, ठीक है, कुछ मेहनत करनी पड़ती है हमें, और कुछ वो हमें खुद ही बता देती है। ठीक है, समझ आ रही बात की? तो जो चीज़ें वो खुद बताती है आपको, एटलीस्ट वो तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आनी चाहिए। मिसाल के तौर पे यहाँ पे उसने आपको एक ही बात बताया
कि भाई नेम एरर है। नेम एरर का क्या मतलब है कि आपने कोई ऐसा वेरिएबल इस्तेमाल किया जिसको मैं नहीं जानता, ठीक है। दूसरी चीज उसने आपको यहां पे बताई, इसको कहते हैं एरर मैसेज, एरर मैसेज, ठीक है। ये एरर मैसेज है, इसको भी पढ़ना जरूरी है। देखिए वो क्लियर अल्फाज में आपको बता रहा है कि नेम वी इज नॉट डिफाइंड, आपने इसको डिफाइन नहीं किया, आपने मुझे बताया नहीं ये क्या चीज है, क्लियरली वो आपको बता रहा है। तो उसके बाद आप ये नहीं कहेंगे कि मुझे नहीं पता क्या एरर है। आप कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर काम किया आप लोगों ने अभी तक? काम किया है? अपने काम किया है? नहीं काम किया? अच्छा जब करेंगे तो वो आपको अक्सर कहता है कि कमांड नॉट फाउंड, ठीक है। तो कमांड नॉट फाउंड का यही मतलब है कि नेम एरर, आप जो कमांड दे रहे हैं वो मुझे नहीं पता, वो यही नेम एरर ही है, वहां पे डिस्क्रिप्शन उसकी थोड़ी फर्क है, ठीक है। तो जब आपको वो कहे कि कमांड नॉट फाउंड, आप ये यकीन नहीं करेंगे। हमने अपने यहाँ के बीएस के हमारे पढ़े हुए स्टूडेंट्स को एमएस में एक काम दिया कि आप ये काम करें, और उसने मुझे एक स्क्रीनशॉट भेजी कि सर एरर आ रहा है, मुझे नहीं पता क्या मसला है, और वहाँ पे बड़ा बड़ा लिखा हुआ है कमांड नॉट फाउंड। ये पूरा बीएस करके बंदा गया हुआ है। तो मैं आप लोगों को इस वजह से इसके ऊपर इतना पूरी स्लाइड मैंने बनाई, मैं आपको तफसील बता रहा हूँ कि ये आपको मशीन खुद बता देगी कि मसला क्या है। और अक्सर औकात जब मशीन ने आपको बता दिया, इसका मतलब है कि दैट इज अ वेरी सिंपल एरर। मशीन को समझ आ गई ना, वही बात है, दिमाग उसका नहीं है, उसको समझ आ गई तो आपके लिए समझना बहुत आसान है, प्रोवाइडेड कि आप जरा आंखें खोल के उसको देखेंगे वो क्या कह रहा है, ठीक है। समझ आ रही बात की? ऐसा नहीं कि वो कहे जी एरर आ गया तो अच्छा बस ठीक है एरर आ गया, वो कह रहा है मैं आपको कुछ बताना चाह रहा हूँ, नहीं बस एरर आ गया, ठीक है। तो ये काम नहीं करना, उसको पढ़े थोड़ा सा कि वो आपको क्या बता रहा है। तो यहाँ पे अभी बहुत थोड़ी इन्फॉर्मेशन है, इसलिए सिंपल एरर मैंने आपको दिखाया। थोड़े कुछ एक दो लेक्चर्स के बाद हम थोड़ा सा इससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड एरर देखेंगे, जिसके अंदर मशीन आपको और भी इन्फॉर्मेशन देगी, पूरा रास्ता आपको बताएगी कि जी पहले मैंने ये किया, फिर मैंने ये किया, फिर मैंने ये किया, फिर मैंने ये किया, तो फिर एरर आया। तो आपको पूरा रास्ता वो बताएगी, सारी कहानी आपको सुनाएगी, प्रोवाइडेड कि आप उसको पढ़ें, ठीक है। तो इतना टाइम मैं इस वजह से लगा रहा हूँ इसके ऊपर क्योंकि रिपीटेडली हमने ये देखा है कि लोग जो हैं जब एरर आ जाता है तो एरर को पढ़ते नहीं है, ठीक है। ये तो बहुत छोटा एरर है, इतने बड़े बड़े हमारे पास एक सॉफ्टवेयर को हम इंस्टॉल कर रहे थे, अच्छा खासा बड़ा वो सॉफ्टवेयर है, उसमें एक चीज़ मसला हल नहीं हो रहा था। तो उसके हमने वो जो कहा कि मशीन के ऊपर स्लाइड आप लगाते हैं और उसे उगलवाते हैं, तो उससे जब हमने इन्फॉर्मेशन उगलवाई तो उसको हम ले गए, सुने क्या हुआ, क्या मजे की कहानी। उससे हमने वो इन्फॉर्मेशन उगलवाई और उसको हम ले गए एमएस वर्ड में, हमने जाके पेस्ट किया, ठीक है। जब हमने पेस्ट किया तो वो बने 362 सफ़े, नॉर्मल जो 10 का फॉन्ट होता है ना उसके ऊपर 362 सफ़े की इन्फॉर्मेशन उसने हमें बताई, इतनी इन्फॉर्मेशन उसने हमें दी, ठीक है। और जब उसको फिर खंगालने का अपना तरीका होता है, पूरे 362 आपको नहीं पढ़ने पड़ते, ठीक है। जब आहिस्ता आहिस्ता आपका तजुर्बा हो जाएगा तो आपको उस 362 में से आप डायरेक्ट उन 10 सफ़ों में जाते हैं जिनमें मसला है, और उन 10 सफ़ों को थोड़ा सा तफसील से पढ़ते हो तो आप एग्जैक्ट उस सफ़े पर पहुंच जाते हैं और यूं करके आपका मसला हल हो जाता है, बिकॉज द इन्फॉर्मेशन इज देयर। समझ आ रही बात की, ठीक है। तो इसको पढ़ना सीखें, या आपको जब 6-6 सफ़ों के वो आउटपुट देगा ना एरर में, तो वो 6 सफ़े आपको पढ़ने की जरूरत नहीं होती। जब आपको एक दफ़ा तरीका समझ आ जाएगा कि इस एरर को पढ़ना किस तरह है, उसमें हार्डली आपके 2-3 सेकंड लगेंगे और आपको समझ आ जाएगी कि मसला कहाँ पे है। लेकिन आप उसको शुरू में पढ़ेंगे थोड़ा सा, इसलिए छोटे से शुरू किया, इसके बाद थोड़ा सा बड़ा एरर देखेंगे, फिर थोड़ा बड़ा एरर देखेंगे, ठीक है जी। समझ आ रही बात की जी। तो इसमें करना क्या होता है जब एरर आ जाए, कि पहले तो आपको ये आइडेंटिफाई करना होगा कि जी एरर आ गया है, ठीक है, आप लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया। लेकिन इसके बाद और भी करने के काम है, वो क्या है कि पहले इसकी टाइप आइडेंटिफाई करें कि क्या टाइप है। तो अक्सर आपको टाइप से ही पता चल जाएगा, अगर नेम एरर है तो ऑब्वियस बात है कि भाई बस कोई वेरिएबल आपने ऐसा इस्तेमाल किया, कोई फंक्शन ऐसा इस्तेमाल किया जो कि इंटरप्रेटर नहीं जानता। लेकिन अगर फिर भी समझ नहीं आ रही तो फिर इस मैसेज को पढ़ें, ठीक है। अगर फिर भी समझ नहीं आती तो और कुछ इन्फॉर्मेशन है जो यहाँ पे नहीं है, बाद में आएगी, फिर उसको पढ़ें, ठीक है। समझ आ रही बात कीजिए, अच्छी तरह समझ आइए। अच्छा चलिए वापस जाते हैं, एरर देखते हैं। देखें एक और किस्म का एरर भी देख लेते हैं। मैं कहता हूँ 4/0, ठीक है। तो इसने क्या कहा, जीरो डिवीजन एरर। ऑब्वियसली बात है कि डिवाइड बाय जीरो आप कर रहे थे, उसकी वजह से एरर आया, ठीक है। इंटीजर डिवीजन और मॉड्यूलो बाय जीरो, ठीक है, मॉड्यूलो का आपको समझने की जरूरत नहीं है, ठीक हो गया जी। तो ये नेम एरर है, इसको आपको अच्छे तरीके से समझना चाहिए कि जब एरर आ जाए तो क्या करना चाहिए, ठीक है जी, क्लियर है। अच्छा आगे चलें, जैसे हम वैल्यूज को नाम दे सकते हैं एग्जैक्टली वैसे ही हम फंक्शंस को भी नाम दे सकते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे मेरे पास एक फंक्शन है एफ, एफ हमने डिफाइन किया पहले, क्या करेगा खफा हो जाएगा ये, ठीक है, इसको हटा देना कि साफ हो जाएगा, एफ खफा हो गया। हमारे पास एक फंक्शन है पहले से, हमने फ्रॉम मैथ इम्पोर्ट स्क्वायर रूट किया हुआ है, वो पीछे जो किया था वो खत्म नहीं हुआ अभी तक, ठीक है, वो साथ साथ आ रहा है हमारे पास। हम करते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 25, तो ये क्या करेगा 5.0, ठीक होगी जी।
स्क्वायर रूट ऑफ 25 से आपको पास क्या आ जाएगा 5.0। लेकिन अगर आप सिर्फ स्क्वायर रूट करें, दोनों में फर्क देखें, स्क्वायर रूट ऑफ 25 का क्या मतलब है कि हमारे पास एक डब्बा है, फंक्शन है जिसका नाम है SQRT, उसको हम कॉल करना चाह रहे हैं, ये कॉल है, ठीक है, ये जो दो ब्रैकेट हमने लगाया इसका मतलब है कि अब हम कॉल करना चाह रहे हैं, हम इसको कॉल करना चाह रहे हैं और हम इसको वैल्यू भेज रहे हैं 25। तो ये क्या चीज है, दिस इज ए कॉल एक्सप्रेशन, इसको कॉल की जाएगी, वो अपना काम करेगा, हमें जवाब भिजवाएगा और वो जवाब हमें मिलेगा। ये बात क्लियर है ना आप लोगों को अभी तक, इसमें कोई नई बात नहीं है। हमने इसको 25 भेजा, हम स्क्वायर रूट के डब्बे के अंदर गए, इंटरप्रेटर गया उसके पास, वहां जाके उसके अंदर जो काम था वो सारे का सारा काम किया, हो सकता है उसके अंदर 6 दिन लगे, हो सकता है 5 सेकंड लगे, हो सकता है कुछ नैनो सेकंड लगे, लेकिन कुछ टाइम उसमें लगेगा, और फिर वो एग्जीक्यूट करने के बाद वहां पे जितनी भी इवैल्यूएशन है वो करने के बाद जो जवाब आएगा वो जवाब हमें वापस भिजवाया जाएगा, इसको कहते हैं कॉल एक्सप्रेशन। जबकि अगर हम सिर्फ SQRT लिखते हैं तो इसका मतलब है कि SQRT क्या चीज है, ठीक है, SQRT खुद जो है दैट इज अ फंक्शन, ठीक है, SQRT क्या है भाई, SQRT ये वाला डब्बा है बस, इसमें आपका कोई टाइम नहीं लगा। अगर उसको अपने रन होने में 6 दिन लगते भी हैं तो फिर भी ये कहने में कि ये एक डब्बा है, इसमें कोई टाइम नहीं लगेगा, समझ आ रही बात की, ठीक है। तो SQRT खुद क्या है, दैट इज ए फंक्शन, क्लियर है जी, समझ आ रही बात की अच्छे तरीके से, SQRT खुद एक फंक्शन है। तो अगर आपने इसके आगे कॉल वाले ब्रैकेट्स नहीं लगाए तो इसका मतलब है कि आप ये पूछना चाह रहे हैं कि SQRT क्या है। तो SQRT वहां पे एक डब्बा है जिसका नाम SQRT है, जैसे आपके पास 24 एक नंबर था उसको हमने एक नाम दे दिया V, तो V इज अ नेम फॉर दैट 24, ये भी देखते हैं, ठीक है, V इज अ नेम फॉर दैट 24, इसी तरीके से SQRT इज अ नेम फॉर दैट डब्बा, ठीक है, उस फंक्शन का एक नाम है, ठीक है। लेकिन जब ये पैदा हुआ था तो इसकी अम्मी जान में उसने कहा मुझे SQRT नाम पसंद नहीं है, मैं इसका नाम F रखना चाहती हूँ, ठीक है, SQRT कौन बुलाएगा इसको, अगर हर वक्त रोता फिरेगा, उन्होंने कहा कि जी F इज इक्वल टू SQRT, ठीक है। तो F इज इक्वल टू SQRT का मतलब है कि वही डब्बा है, इसको इसके अब्बा जान जो है वो SQRT कहते हैं, हम भी इसको SQRT कहते हैं, लेकिन निक नेम जो इसका इसकी अम्मी जान ने जो रखा है वो F है। तो अब SQRT और F दोनों एक ही चीज़ है, समझ आ रही बात कीजिए जी, एग्जैक्टली सर, ये एफ वेरिएबल ही है, फर्क सिर्फ क्या है कि इस वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू है वो फंक्शन है बड़ा सा, ठीक है, ये यू कह ले कि उस फंक्शन का नाम एफ रख दिया हमने, दूसरा नाम, बिल्कुल काम करेगा। देखें एक ही चीज के दो नाम है, आप उसको कहें ओए छोटे तो भी काम करेगा, और उसको कहें कि फारूक खान छोटे नहीं कहेंगे ना, फिर सादे एक नाम देंगे उसको सिर्फ, ठीक है, मैं उस दात को डाल रहा था लेकिन मुझे कोई सही दात याद नहीं। अब आप कह सकते हैं F of 25, और एग्जैक्टली वैसे ही आप कह सकते हैं SQRT of 25, SQRT 25 तो वहीं का वहीं है, उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है जी, ये बात समझ आइए। थोड़ा सा अभी इस चीज़ को हम देखना चाह रहे हैं, कुछ चीज़ें हमने देखनी हैं तफसील से, हम उसके लिए जाएंगे अपने ट्यूटर पे, ठीक है। ये आप लोगों को बताया था कि आपके पास ये आपके पास एक python tutor.org के ऊपर आपको मिलेगा, मैंने अपनी लोकल मशीन के ऊपर इंस्टॉल किया हुआ है। यहाँ पे हम इन चीज़ों को थोड़ी सी 3-4 चीज़ों को हम ज़रा तफसील से देखना चाह रहे हैं, ठीक है। तो मिसाल के तौर पे हमने कहा x इक्वल टू 24 शुरू में हमने कहा था, ठीक है, सब कुछ एक साथ लिखते हैं फिर उसके बाद एक ही दफ़ा देखेंगे, ठीक है। हमने कहा y इक्वल टू x इंटू 2, फिर हमने कहा x इक्वल टू a, फिर हमने कहा y इक्वल टू वही x इंटू 2 दोबारा, ठीक है, फिर हमने क्या कहा और हमने क्या कहा, हमने कहा वी नहीं, वी मत लिखे, वी तो वैसे ही गलत है, हमने कहा कि फ्रॉम मैथ इम्पोर्ट SQRT, ठीक है, फिर हमने कहा कि एस इज इक्वल टू SQRT ऑफ 25, सही है, कहीं पे कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझे रोकें, ठीक है, और गौर से देखें, फिर हमने कहा कि F इज इक्वल टू SQRT, ठीक है, और फिर हमने कहा कि S या T इज इक्वल टू F ऑफ 25, ठीक है, और V इज इक्वल टू SQRT ऑफ 25, सही है। अब इसको देखते हैं कि हुआ क्या है इसके साथ, सही है, तो विजुअलाइज एग्जीक्यूशन पे आप क्लिक करेंगे या आप लोग खुद भी python tutor.org के ऊपर जाके रन करके इसको देख सकते हैं, बल्कि मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप लोग जरूर इसको देखें, ठीक है जी। अच्छा, अब देखें इसमें ये क्या हो रहा है, इस एनवायरमेंट को ज़रा समझें, हमने किया क्या है, हमने आप पे ये सारी कहानी लिखी है इस बड़े डब्बे में और नीचे विजुअलाइज एग्जीक्यूशन के ऊपर क्लिक किया है, ठीक है जी। जब हमने किया तो ये हमें एक चीज़ दिखाएगा, यहाँ पे कुछ समझने की बात है कि सबसे पहले आपको एक रेड लाइन यहाँ पे दिखा रहा है, रेड लाइन का मतलब है कि ये बेसिकली इंटरप्रेटर को सिम्युलेट कर रहा है कि इंटरप्रेटर करता क्या है। तो ये रेड लाइन बता रही है कि अभी अगली इंस्ट्रक्शन मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा, ठीक है,
आपको याद होगा हमने फ्लो ऑफ कंट्रोल की बात की थी ना कि अगली बारी किसकी है, तो ये रेड लाइन हमें बता रहे कि अगली बारी किसकी है, ठीक है। नीचे यहाँ पे कुछ बटन्स हैं, फर्स्ट, बैक, फॉरवर्ड और लास्ट। हम फॉरवर्ड पे क्लिक करेंगे तो ये जो अगली लाइन जिसकी बारी है ये अब इंटरप्रेटर एग्जीक्यूट करेगा और इसका जो रिजल्ट है वो बेसिकली जो भी इंटरप्रेटर उसके साथ करता है वो करेगा, ठीक है। जरा देखें इसको क्या होता है। फॉरवर्ड मैंने किया तो इसने क्या किया, x = 24 को रन किया। इससे क्या बना कि आपके पास यहां पर एक नई चीज आ गई है, देखें पहले नहीं थी। राइट साइड पे देखें, फ्रेम्स के नीचे अभी कुछ नहीं लिखा हुआ, जब हमने इसको रन किया तो क्या हुआ, कुछ काम हुए। सबसे पहले यहां पे लिखा हुआ है ग्लोबल फ्रेम, ठीक है, फिर नीचे बन गया एक x और उसके अंदर एक डब्बा सा है और उसके अंदर वैल्यू चली गई 24। समझ आ रही बात की जी? ये दो तीन काम इस एक से हुए, एक इंस्ट्रक्शन से। आप बैक करके वापस भी जा सकते हैं, नॉर्मली हम इंटरप्रेटर में वापस ही जा सकते हैं, लेकिन ये सीखने के लिए चूंकि बना हुआ है इसके अंदर हम वापस भी जा सकते हैं, ठीक है। हम वापस गए जी, वापस करो, मुझे नहीं समझ आई। अब फॉरवर्ड करें तो इसने क्या किया, इसने एक डब्बा बनाया जिसका नाम है 24 और इसने कह दिया कि x की वैल्यू है 24। तो x, ये जो डब्बा सा बना हुआ है ना, ये है, ये जो आपको आधा सा डब्बा नजर आ रहा है ये x है, फिजिकल एग्जिस्टेंस, जिस तरह आपकी फिजिकल एग्जिस्टेंस है और आपका एक नाम है, तो इसका नाम x है और फिजिकल एग्जिस्टेंस इसकी वो डब्बा है। समझ आ रही बात की ना? x इसका नाम है और इसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस वो डब्बा है जिसके अंदर अब हम कोई वैल्यू डाल रहे हैं। अभी हमने कौन सी वैल्यू डाली है, कौन सी डाली है, 24। ये एक बात, ये समझ आ गई जी? इसको कहते हैं वेरिएबल, ये अब हमारे पास वेरिएबल है, ये डब्बा इसके अंदर आप जो डालेंगे जाएगा, ठीक है। और पाइथन के अंदर ये डब्बा इतना ज्यादा फ्लेक्सिबल है कि इसके अंदर आप एक किस्म निकाल के दूसरी किस्म भी डाल सकते हैं। सी में फर्क ये होगा कि जब एक किस्म होगी तो किस्म फिक्स हो जाएगी एटलीस्ट। ये बात याद है जी, क्लियर है? अच्छा जी, मैं बता रहा हूँ ग्लोबली बता रहा हूँ। ग्लोबल का मतलब ये है कि ये सारी दुनिया को नजर आएगा, ग्लोबल कहते हैं ना सारी दुनिया को, ठीक है। तो ग्लोबल फ्रेम बेसिकली आगे आहिस्ता आहिस्ता आते जाएंगे, फ्रेम आपके पास मुख्तलिफ जगह होती है जहां पे वेरिएबल्स जमा होते हैं, ठीक है, एहतजाज करने के लिए जमा होते हैं कि क्यों हमसे काम करवाया जा रहा है। तो फ्रेम, ग्लोबल फ्रेम वो है जहां पे सबको ये नजर आ रहे हैं, ग्लोबल फ्रेम वो वाली जगह है जहां पे जो वेरिएबल भी आएगा वो सबको नजर आएगा, पूरे प्रोग्राम में हर जगह पे नजर आएगा, ठीक है। इसके अपने फवायद नुकसान आते हैं वो बाद में आएंगे, लेकिन आपके पास ग्लोबल फ्रेम के अंदर जो भी चीजें होंगी वो सबको नजर आएंगी, ठीक है, क्लियर है जी? जनाब नहीं, वहां पे भी वेरिएबल ही होता है जी 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 जी, इनपुट होता है लेकिन हम इनपुट नहीं करते, बहुत अरसे तक नहीं करेंगे, ठीक है, शायद हो सकता है पूरे कोर्स में हम इनपुट ना करें, ठीक है। नहीं, ये देखिए ये 24 खुद कांस्टेंट है, ठीक है, लेकिन इस कांस्टेंट वैल्यू को हमने इस वेरिएबल में डाला है, इस कांस्टेंट को निकाल के हम कोई और वेरिएबल भी इसमें डाल सकते हैं, अभी डालते हैं, ठीक है ना जी 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 जी। लेकिन हमारा काम एग्जीक्यूशन के साथ ही है ना, बात अभी ठीक है, मैं समझ रहा हूँ थोड़ी बहुत, लेकिन इसेंशियली हमारा मकसद ये होता है कि जब ये चीज़ एग्जीक्यूट होगी तो आखिर में एंड क्या बनेगा, समझ आ रही बात की, ठीक है। दरमियान में अगर ये 24 कांस्टेंट है या 4 कांस्टेंट है तो अक्सर जगहों पे ये कांस्टेंट्स हम इस्तेमाल नहीं करते। हाँ, आप ये कह रहे हो मिसाल के तौर पर अगर हमें स्क्वायर रूट निकालना है तो हम अगर इस तरह लिखेंगे तो हमेशा 36 का स्क्वायर रूट आएगा, हमें प्रोग्राम दोबारा लिखना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन देखिए हम इसी वजह से इंटरप्रेटर में काम कर रहे हैं, इंटरप्रेटर के अंदर हम अभी अभी खड़े खड़े 36 को 38 कर सकते हैं, हमें यूजर से इनपुट लेने की जरूरत नहीं है। समझ आ रही बात? मैं आपका सवाल समझ गया हूँ कि भाई 36 तो फिर 36 ही काम करेगा ना, ठीक है, लेकिन हम अभी तक चेंज करते रहे ना, हमने 36 को कुछ और कर दिया, हमने 1 को 1.0 कर दिया, तो हम चेंज कर सकते हैं ना। तो यहाँ पे हमें इनपुट यूजर से लेने की जरूरत नहीं है, समझ आ रही बात? ठीक है। और जो आप टिपिकली जब प्रोग्रामिंग करते हैं तो उसके अंदर यूजर की इनपुट बहुत थोड़ी होती है, जबकि हम जब प्रोग्रामिंग सिखाते हैं तो हमारा सारा जोर जो है तो उस इनपुट के ऊपर लग जाता है, ठीक है। एनीवे वो आ जाएगी आगे थोड़ी सी, बाकी जो चेंज करने की बात है वो आगे आ रही है, ठीक है। तो देखें अब वाई एक और वेरिएबल हम बनाएंगे, उसके अंदर हम वैल्यू क्या डालेंगे, एक्स इंटू टू, लेकिन हम उसके अंदर एक्स इंटू टू नहीं डालेंगे, हम क्या करेंगे, स्टार एक ऑपरेटर है, ये एक एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन को वैल्यूएट करने का क्या तरीका है, स्टार एक ऑपरेटर है, उसको दो चीजें चाहिए, एक हम टू लेंगे एक एक्स लेंगे, एक्स एक वेरिएबल है उसकी क्या वैल्यू है, थ्री और टू हम लेके स्टार को भिजवाएंगे, स्टार हमें वापस क्या भिजवाएगा, सिक्स, ठीक है, वो सिक्स हम वाई में डालेंगे, ये बात हमने लास्ट टाइम की थी। तो देखें वाई के अंदर, अच्छा 24 है, 24 इंटू टू इज 48, ठीक है जी, तो वो 48 हमने इसको डाला वाई में। अब वाई को एक्स के साथ वाई का कोई ताल्लुक नहीं है, देखें अभी हम गौर से देखें, एक्स इज इक्वल टू ए के ऊपर है, एक ये बात देखें जरा, ये जो हल्का सा आपको नजर आ रहा है ग्रे सी जो लाइन एरो है, ग्रे एरो का मतलब है कि अभी पीछे मैंने ये वाली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट किया है, ताकि आपको पता चले कि जो चेंज आई है ये किस वजह से आई है, ठीक है। ये इंटरप्रेटर में नहीं होती, इंटरप्रेटर को ये नहीं पता था कि मैं कहाँ से आया हूँ, लेकिन हमें चूंकि हम समझ रहे हैं इसके अंदर तो इस वजह से हमें दिखा रहा है कि आप आए कहाँ से। तो थोड़ी देर पहले हम वहाँ थे और पिछली इंस्ट्रक्शन वो थी, इसके बाद
नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन वो होगी और पिछली इंस्ट्रक्शन ये, ताकि हमें पता चले कि किस इंस्ट्रक्शन की वजह से इफेक्ट आया। ठीक है, ये कुछ चीजें समझ लीजिए। अब देखें, अब इस x को जब x इक्वल टू a को जब हम एग्जीक्यूट करेंगे तो y को भी देखें और x को भी देखें। y का x के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, तो y अपनी जगह पे 48 ही है, जबकि x की वैल्यू होगी a। ठीक है, और स्ट्रिंग है, क्लियर है जी। अच्छा, अब y इज इक्वल टू x इंटू टू अब जब हम करेंगे तो वही काम होगा कि x लें, 2 लें, स्टार को भिजवाएं, स्टार जो वापस भिजवाए वो y में डालें। तो y का x के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, अब ये एक नई वैल्यू हम y को दे रहे हैं, y को x फिर भी नजर नहीं आएगा। ठीक है, अब y में क्या चला जाएगा, a। ठीक है, अगेन अब इसका उस a के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, x के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं है, क्लियर है जी। अच्छा, अभी हम करते हैं फ्रॉम मैथ इंपोर्ट sqrt। तो देखिए वहां पे हमें कुछ नजर नहीं आया था, लेकिन यहां पे अब आपको एक चीज नजर आएगी। राइट साइड पे देखिए, आप जब मैंने इसको एग्जीक्यूट किया तो देखिए एक फंक्शन ये लेके आ गया। ठीक है, वहां पे तो हमें कुछ नहीं नजर आ रहा था, उसने कहा हाँ बस ठीक है हो गया, लेकिन यहां पे अब हमें वो फंक्शन नजर आ रहा है। तो फंक्शन देखिए एक अलग चीज वहां पे बैठी हुई है, इसकी अपनी एग्जिस्टेंस है और उसका नाम क्या है, sqrt। तो sqrt खुद एक वेरिएबल है, वो उसके अंदर जो वैल्यू है दैट हैपेंस टू बी अ फंक्शन। समझ आती ना बात की, इसके अंदर हम 24 भी डाल सकते थे। ठीक है, sqrt इज इक्वल टू 4 हम लिख दें तो यहां पे 4 आ जाता डब्बे के अंदर, लेकिन चूंकि वो फंक्शन है तो अभी उसकी तरफ एक एरो इसने लगा के हमें दिखा दिया कि भाई वो फंक्शन sqrt को जब भी आप कॉल करेंगे तो मैं उसको कॉल भिजवाऊंगा। ठीक है, क्योंकि वो पूरे का पूरा इस डब्बे में डालना जरा शक्ल अच्छी ना होती। ठीक है, इसलिए इसने एरो लगा दिया वहां पे। सही है, क्लियर है जी। अच्छा, अभी देखें जब हम f इज इक्वल टू sqrt करते हैं। अच्छा, पहले तो हमने s इज इक्वल टू sqrt ऑफ 25 किया ना, तो ये इसी तरीके से करेगा। 25 sqrt को भिजवाया, उसने हमें जवाब में भिजवाया 5, हमने उसको s में डाल दिया, ये तो पुरानी बात है। ठीक है, अब हम कहते हैं f इज इक्वल टू sqrt, इससे क्या होगा कि sqrt वैसे का वैसे ही पड़ा हुआ है, सिर्फ f भी अब उसको पॉइंट कर रहा है। तो अभी देखिए क्लियरली आपको नजर आ रहा है कि फंक्शन एक ही है, एक उसका नाम f है और एक उसका नाम sqrt है, और दोनों एग्जैक्टली बराबर है। दोनों को देखें, कोई फर्क है दोनों में, जब एस के एक ऊपर एक नीचे और कोई फर्क नहीं है। ठीक है, वही दोनों जो है एक ही f को पॉइंट कर रहे हैं, तो sqrt और f अब बिल्कुल बराबर है। तो आप चाहे sqrt इस्तेमाल करें या f इस्तेमाल करें, एक ही बात है। समझ आई बात की, ठीक है, क्लियर है कि नहीं। ये बहुत ज्यादा यूजफुल कॉन्सेप्ट है, और अनफॉर्चुनेटली अगर ये काम आप सी के जरिए से करना चाहें तो आपको इसके पीछे 4 कॉन्सेप्ट और पढ़ने पड़ते हैं। ठीक है, फिर जाके ये आती है, इस वजह से उस तक हम पहुंचते ही नहीं, लेकिन इंतहाई इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये आपकी प्रोग्रामिंग जो है। हम लोगों ने कहा ना कि हम स्क्वायर रूट के अंदर हमने कहा था कि भाई हम अपने जो क्लाइंट है उसको कहेंगे कि या गुड इनफ आप हमें दे दें या हम इस्तेमाल कर लेंगे, हम खुद लिख लेंगे। अगर आपको चाहिए कि नहीं हमें ज्यादा एक्यूरेट चाहिए तो आप गुड इनफ हमें दे दें, याद है ना। ठीक है, कि हमें गुड इनफ चाहिए, या हम खुद लिख लें या वो हमें दे दें। तो ये कॉन्सेप्ट हम वहां पे फिर इस्तेमाल करेंगे जब हम इसको कोड करेंगे। ठीक है, स्क्वायर रूट अभी हमने कोड नहीं किया, जब हम उसको कोड करेंगे तो ये कॉन्सेप्ट हम वहां पे इस्तेमाल करेंगे। बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट है और बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, इसमें देख लें कोई बड़ी बात नहीं है। क्या भाई, यही की फंक्शन है, उसका हमने दो नाम दे दिए बस। ठीक है, समझ आ रही ना बात की। ठीक है, अब आप कहते हैं t इज इक्वल टू f ऑफ 25, तो f भी वही चीज है जो कि स्क्वायर रूट है। ठीक है, तो हम उसको भिजवाएंगे 25, जवाब में क्या आ जाएगा t में 5। इस तरह v इज इक्वल टू sqrt ऑफ 25, वही 5, क्योंकि उसी फंक्शन को हम कॉल कर रहे हैं तो वही जवाब हमें वापस भिजवाएगा जब वही इनपुट आप उसको देंगे। ठीक है जी, समझ आई थी बात की। तो ये 2-3 काम आप लोगों ने करने हैं, नोटबुक को भी जरूर एग्जीक्यूट करके देखना है और इस पाइथन ट्यूटर के ऊपर भी जाके आपने ये चीजें रन करके बाकायदा देखनी है। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे देखते हैं छोटी सी एक दो कॉन्सेप्ट और रह गए हैं, उसको खत्म करते हैं। किधर है, अच्छा फाइनली आपके पास यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है जिसको कहते हैं साइड इफेक्ट। देखिए हमने अभी तक जितने फंक्शन में काम किया, हमने उसको इनपुट भिजवाया, उसने हमें आउटपुट भिजवाया, दरमियान में उसने कोई ऐसी हरकत नहीं की जिसकी वजह से हमारे एनवायरमेंट के ऊपर कोई फर्क आए। उसने जो कुछ भी करना था अपने डब्बे के अंदर अंदर रह के काम करेगा, ये नहीं कि वहां से डब्बे में थोड़ा सा सुराख और वो चूहे की तरह वो गंद उसके बाहर गिरा रहा हूं। ठीक है, तो कोई भी चीज उस फंक्शन उस डब्बे से बाहर नहीं आएगी अदर देन दी आउटपुट। समझ आ रही बात की। तो जो मैथमेटिकल फंक्शन होते हैं वो और कुछ भी नहीं कर सकते, आप उनको इनपुट भिजवाते हैं वो आपको आउटपुट वापस भिजवाते हैं। समझ आ रही बात की। लेकिन कभी कभी हमें ऐसा चाहिए होता है कि हमारा फंक्शन हमें फॉर इंस्टेंस ये भी साथ साथ बताए कि वो कैसे काम कर रहा है। हमने कहा ना कि इंटरप्रेटर काम करता है, उसका अपना एक दिमाग होता है तो वो सोच सकता है। तो हमें कभी कभी ऐसी चीजें चाहिए होती हैं कि हम उसको कहेंगे भाई आप मुझे बताओ कि आप कैसे काम कर रहे हो। तो अब आउटपुट के अलावा ये एक्स्ट्रा चीजें हैं। ठीक है, तो इन एक्स्ट्रा चीजों को कहा जाता है साइड इफेक्ट्स। समझ आ रही बात कीजिए। तो आपके पास कभी कभी कुछ फंक्शंस के साइड इफेक्ट्स होते हैं, यानी कि इनपुट को आउटपुट पे मैप करने के जो प्रोसेस है
उसके अलावा कुछ और काम भी वो कर रहा है, ठीक है, कभी कभी वो काम यूजफुल होता है, ठीक है। इसकी मिसाल इस तरह है कि अगर आप कहते हैं कि प्रिंट एफ ऑफ 25, तो ये क्या करेगा कि एफ की वैल्यू लाएगा और आपको आउटपुट करके देगा, ठीक है। जरा गौर से इसको देखें, प्रिंट एफ ऑफ 25 और एफ ऑफ 25 में कोई फर्क नहीं है, एक ही जैसे है ना, ठीक है, ठीक है, गौर से देखें, प्रिंट एफ ऑफ 25 और एफ ऑफ 25 में कोई फर्क नहीं है। लेकिन अगर आप कहते हैं कि ए डबल कोट्स में, तो यहां पे देखें इसने आपको वो वैल्यू आउटपुट करके दी कि मैं स्ट्रिंग डबल कोट पे समझ गया हूं, इंटरप्रेटर ने आपको ये कहा है, सही है। जबकि अगर आप इसको कहते हैं कि प्रिंट ए, तो ये फिर क्या करेगा, बगैर डबल कोट के उस ए को आउटपुट करके देगा। तो प्रिंट जो है बेसिकली ये कमांड है जिसका सिर्फ साइड इफेक्ट ही साइड इफेक्ट है, ये आउटपुट कोई नहीं प्रोड्यूस करती। ये क्या करती है कि आपके कंसोल के ऊपर या जो भी आपका डिस्प्ले है जिसके अंदर शेल के अंदर आप काम कर रहे हैं, हम नोटबुक पे काम कर रहे हैं, तो ये नोटबुक पे आउटपुट करेगा। जो चीज आपने इसको भिजवाई ये उसको सिर्फ और सिर्फ बाहर आउटपुट करके दे देता है। दो आउटपुट है, एक है फंक्शन की आउटपुट जो हमें वापस भिजवाई दे रही है, और एक वो आउटपुट है जो कि स्क्रीन पे आउटपुट जा रहा है। तो प्रिंट सिर्फ स्क्रीन पे आउटपुट भिजवाता है कि फंक्शन का आउटपुट कोई भी नहीं आता। समझ आ रही बात की जी? ठीक है जी, एग्जैक्टली वही बात, ठीक है। तो प्रिंट ए, अब अगर आप कहते हैं कि प्रिंट वैल्यू ऑफ एफ 25 इज कॉमा एफ 25, तो ये क्या करेगा, पहले लिखेगा, देखें बगैर डबल कोट्स के, वैल्यू ऑफ एफ 25 इज कोलन, वैल्यू ऑफ एफ 25 इज कोलन, ठीक है। फिर आपने कहा एक और चीज भी प्रिंट करो, वो क्या है, एफ 25। एफ 25 क्या है, खुद एक्सप्रेशन है, ये कॉल होगी, जवाब में क्या आएगा, 5.0। जब 5.0 जवाब आएगा तो वो 5.0 यहां पे लिख देगा, ठीक है। तो प्रिंट क्या करता है, आपसे एक या एक से ज्यादा ऑपरेंड्स लेता है और हर एक की वैल्यू को आउटपुट कर देता है कंसोल के ऊपर, आपको आउटपुट वापस नहीं भिजवाता, फंक्शन का कोई आउटपुट नहीं है इसका, ठीक है। और एक चीज माइनर सी और है, वो ये देख लें कि आपके लिए एक स्पेस जो है इसने खुद इंसर्ट की, यहां पे कोई स्पेस नहीं थी, इसके बाद कोलन था, ठीक है, और उसके बाद डायरेक्ट क्या है, एफ 25, सही है, लेकिन इसने आपके लिए एक स्पेस और इंसर्ट कर दी। तो प्रिंट क्या करता है, एक या एक से ज्यादा ऑपरेंड्स लेता है, सारों की वैल्यूज कैलकुलेट करता है, एक एक करके सारों को आउटपुट करता है और दरमियान में स्पेसेस डाल देता है। समझ आ रही बात की जी? ठीक है, तो वैल्यू ऑफ एफ 25 इज एफ 25, हा हा हा, ठीक है। अब तीन चीजें हैं ना, एफ 25 से ये आ गया, फिर एक स्पेस इसने इंसर्ट कर दिया और आखिर में हा हा वैसे इसने आउटपुट कर दिया, ठीक है, क्लियर है जी। इसको कहा जाता है साइड इफेक्ट, ठीक है। लास्ट हमारी स्लाइड है, इसमें देखें हम लोगों ने शुरू में बात की थी कि s इज इक्वल टू, ये एक मल्टी लाइन स्ट्रिंग हमने ली थी और उसके अंदर 1, 2, 3, 4 करके हमारे पास स्पेसेस थी, फिर न्यू लाइन था, ये लास्ट लेक्चर में जो हमने देखा था, ठीक है। इसको हमने कहा कि s, और जब हमने कहा कि s तो ये हमें क्या आउटपुट देता था, इस तरीके से, ठीक है। एस्केप कैरेक्टर भी हमें शो कर रहा है क्योंकि ये इंटरप्रेटर हमें ये बता रहा है कि मैं समझा क्या हूँ इस बात से। जबकि यही चीज अगर आप प्रिंट को भिजवाएंगे तो प्रिंट आपको वैसा आउटपुट करके देगा जैसा होना चाहिए। तो देखें इसने वो चार स्पेसेस यहाँ पे वैसी प्रिंट की जैसे होनी चाहिए थी, और फिर जो स्लैश एन एक्चुअली आया था उसको इसने एज अ रियर जो उसकी वैल्यू होनी चाहिए थी वो इसने इस्तेमाल की और नई लाइन यहाँ पे इंसर्ट किया इसने। समझ आई बात की? तो प्रिंट में और एस के जरिए से आउटपुट करने में बहुत सारे फर्क है, आहिस्ता आहिस्ता आगे जाके आ जाएंगे। सिर्फ एस करने का मतलब यह है कि आप इंटरप्रेटर से कह रहे हैं कि मुझे इसकी वैल्यू बताओ, सिर्फ मुझे बताओ, ठीक है। और दूसरी चीज है कंसोल के ऊपर आउटपुट करना, ठीक है, या प्रॉम्प्ट के ऊपर या शेल के अंदर आउटपुट करना, दो अलग अलग बातें। एक है कि मुझे बताओ मैं उसके साथ काम करना चाहता हूं, दूसरा ये कि इसको एक्चुअली स्क्रीन के ऊपर प्रिंट कर दो कि यूजर को नजर आए। तो प्रिंट के जरिए से आप प्रिंट करते हैं, और जब आप सिर्फ एस लिखते हैं तो ये आपको वैल्यू रिटर्न करता है, इस एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट करेगा, ये सिर्फ एक वेरिएबल है, इसकी वैल्यू आपके पास वापस आ जाएगी एंड दैट्स इट, स्क्रीन के ऊपर आउटपुट नहीं होगी। समझिए बात की? इसको आप अगर यहां पर देखें, अगर मैं इसको कहूं यहां पर कि s इज इक्वल टू ए बी सी, और मैं इसको सिर्फ s कहूं तो इससे क्या होगा, और प्रिंट s कहूं तो इससे क्या होगा, दोनों में फर्क देखें। हमने इसको कहा कि s इक्वल टू ए बी सी, तो s ए बी सी बन गया वहां पे, ठीक है। अब मैंने इसको कहा s, तो गौर से देखें कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि उसने मुझे वैल्यू भेजी वापस, मैंने उसको छोड़ दिया, मैंने उसको किसी वेरिएबल में ना सेव किया ना कुछ और उसके साथ किया, जाया हो गई। जबकि अगर मैं इसको कहता हूं कि प्रिंट s, तो फिर ये क्या करता है, यहां पे इस जगह पे आउटपुट कर देता है। तो जो भी आउटपुट की जगह है, नोटबुक में कोई और आउटपुट की जगह थी, यहां पे कोई और आउटपुट की जगह है, जब आप शेल में काम करेंगे तो वो शेल के अंदर आउटपुट करेगा, जो भी आउटपुट की जगह है वो प्रिंट को समझ आती है, वो वहां पे उसको आउटपुट कर देगा। समझ आ रही बात की जी? तो इस चीज को कहा जाता है साइड इफेक्ट। एस इसने समझी, गुड क्वेश्चन, इसको देखें और से देखें, उसको समझें। हमने कहा एस, इसने एस की वैल्यू मुझे वापस भिजवाई,
मैंने उस वैल्यू के साथ कुछ किया ही नहीं, समझ आई बात की? मैं आपको एक वैल्यू दूं और आप उसको बस जेब में रख लें सिर्फ, तो किसी को नजर तो नहीं आएगी ना। तो यहां पे इस वजह से हमें नजर नहीं आ रही। सवाल ये पैदा होता है कि यहां क्यों नजर आती है? वही चीज अगर मैं यहां पे करूं कि s इज इक्वल टू ए बी सी और मैं इसको यहां पे आके s करूं तो ये मुझे दिखा रहा है। ये क्यों दिखा रहा है? क्योंकि नोटबुक के अंदर तरीकाकार ये है कि जो वैल्यू भी मुझे वापस भेजी जाती है तो मैं उसकी एग्जैक्ट वैल्यू आपको दिखाता हूं। हमने कहा ना कि वहां पे हमने कुछ किया नहीं, यहां पे हमारी नोटबुक ये करती है कि जो वैल्यू भी वापस आती है वो आपको दिखाता है। समझ आई बात? जी जी जी, कंपाइलर इंटरप्रेटर वाली बात नहीं, ये जो खास नोटबुक हम जो टूल इस्तेमाल कर रहे हैं ना, इस टूल को जब भी कोई वैल्यू वापस की जाती है ना ये उसको दिखाता है बस। जबकि ये वाला टूल जो है, और आमतौर पर हम ये करते हैं कि जब वैल्यू आती है तो या हम उसको इस्तेमाल करेंगे या किसी वेरिएबल में डालेंगे या उसके साथ कुछ और करेंगे, अगर कुछ नहीं करेंगे तो वो गई, खत्म हो गई। समझ आ रही बात की? हम अगली इंस्ट्रक्शन पे चले गए तो वो वैल्यू खत्म, अनलेस कि हमने उसको कहीं पे सेव किया या हमने उसको प्रिंट किया या हमने कहीं उसको इस्तेमाल किया, किसी और फंक्शन कॉल में भेजा, कुछ ना कुछ हम उसके साथ करेंगे। अगर हमने कुछ भी नहीं किया तो अगली दफा वो खत्म। इस नोटबुक में नजर इसलिए आ रही है कि वो कुछ भी ना किया हुआ की जगह पे नोटबुक क्या करती है, आपको वो दिखाती है। इसी वजह से फर्क देखें कि प्रिंट एस में आपको ऐसे नजर आ रहा है और यहां पे आपको इंटरप्रेटर ये बता रहा है कि भाई मुझे ये वैल्यू समझ आई है। आप अगर इसके साथ कुछ करना चाहते हैं तो हमारे लिए आसानी है, हमारे हर दफा प्रिंट प्रिंट नहीं लिखना पड़ता। समझ आ रही जी बात की? फर्क समझ आए? अच्छा जी, फाइनली आप लोगों के पास एक ये रीडिंग असाइनमेंट है, ठीक है, ये आप लोगों ने देखनी है। ये नोटबुक अगर अभी तक अपलोड शायद नहीं है, मैं कर दूंगा इसको अपलोड, तो ये आप लोगों ने देखनी है, बल्कि शायद अपलोडेड हो, एनीवे हो जाएगी। इसको आपने देखना है, आप लोगों की रीडिंग असाइनमेंट है। आप लोगों ने प्रीफेस ही शुरू करना है, ठीक है, प्रीफेस भी पढ़ना है, एक्नॉलेजमेंट भी पढ़नी है, चैप्टर वन पढ़ना है और सेक्शन 2.1 पढ़ना है, जिसका क्या मतलब है कि 2.1 के अंदर जो 2.1.1 और 2.1.2 है वो भी पढ़ने हैं, लेकिन 2.2 नहीं पढ़ना। समझ आ गई है? सब सेक्शन इंक्लूडेड है, अगला सेक्शन इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। तो 2.1 के एंड तक आप लोगों की रीडिंग असाइनमेंट है। अगेन इसमें सब सेक्शन इंक्लूडेड है, तो 2.1.1 और 2.1.2 और अगर कोई और भी है उसके साथ इस तीसरे लेवल पे तो वो भी शामिल है, लेकिन 2.2 शामिल नहीं है, बल्कि 2.2 को अभी ना पढ़े तो बेहतर है, ठीक है। वो जब हम कवर कर लेंगे तो मैं फिर दोबारा आप लोगों को बताऊंगा, सही जी। तो ये देखें, मैंने यहाँ पे प्रीफेस और एक्नॉलेजमेंट्स लिखने की, एक्नॉलेजमेंट्स की स्पेलिंग बड़े मुश्किल होते हैं, मैंने लिखने की तकलीफ महसूस की है यहाँ पे, ठीक है, तो इसको पढ़ें, सही है, वजह उसकी वैसे नहीं क्या। अच्छा, फाइनल जो चीज़ है आप लोगों की वो ऑटो ग्रेडर है। ऑटो ग्रेडर की मैंने आप लोगों को बताया था कि मैंने वीडियो अपलोड कर दी हुई है वीमियो के ऊपर, जहाँ से आप लोगों को ये वीडियोज़ मिलती हैं वहीं से वहीं पे वो वीडियो भी अपलोडेड है। अगर आप लोगों को लिंक अभी तक नहीं पता तो स्लेट पे अपलोडेड है, वहाँ पे जाके आप लोग देख सकते हैं। ऑटो ग्रेडर को कैसे इस्तेमाल करना है वो तफसील से उस वीडियो में बता दिया है। लास्ट क्लास में मैंने क्लास में करवाया था, लेकिन जारी बात है उतनी तफसील से मैं नहीं कर सकता था, तो फिर अलग से वो वीडियो बना दिया ताकि उसको आप लोग भी देख लें। और आप लोगों की एक असाइनमेंट अपलोडेड है, ठीक है, आप लोगों की असाइनमेंट अपलोडेड है, वहाँ से जाके आप लोग करेंगे, ठीक है। सिर्फ दो चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको उस वीडियो में नहीं मिलेंगी, वो मैं भी आपको बता देता हूँ, ठीक है।